बोलूंगा कि इनकम टैक्स में आपका सबसे सिंपल टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ बेटा ये समझना, घर हो कितने टाइप के सकते हैं। तो इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा कि इनकम टैक्स में आपके पास कोई भी घर जो आपने किराए पर लिया है, अगर आपने घर को किराए पर लिया है तो आप उसको बोलते हो लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर आपने घर को किराए पर लिया तो आप उसको क्या बोलोगे, लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर आपने किसी भी घर को किराए पर नहीं दिया तो उसको आप क्या बोलोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो आप लोग क्या ध्यान रखना यार, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे दिया तो उसको आप क्या बोलोगे, लेट आउट प्रॉपर्टी, उसका नाम ही बोलता है। लेकिन जो भी घर आपने किराए पे नहीं दिया उसको आप क्या बोलोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड होने के लिए आपको उसमें रहना जरूरी है, नहीं। कोई भी प्रॉपर्टी जो लेट आउट ना होगी वो आपकी कौन सी होने वाली है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अच्छा, लेट आउट प्रॉपर्टी क्योंकि आपने किराए, ये तो हो गई आपकी प्रॉपर्टीज, तो एक तो आपकी हो जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। उसका मतलब क्या, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे ना दी हो उसको आप क्या बोलोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। और लेट आउट मतलब वो प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे दी है। चलिए सेक्शन नंबर 22 चार्जिंग सेक्शन, फर्स्ट चार्जिंग सेक्शन हम इनकम टैक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। बेटा एक चीज समझ लेना, किसी भी एक्ट में एक ही चार्जिंग सेक्शन होता है, इनकम टैक्स में 5 है, हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन नंबर 22 चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन आपसे बोलता है कुछ कंडीशन, कुछ सिंपल सी कंडीशन। बेटा ध्यान सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी चैप्टर में हेड्स ऑफ इनकम में अगर होगा तो वो चार्जिंग सेक्शन होगा, क्योंकि वो आपको मेन रीजन बताएगा क्यों वो इनकम यहाँ टैक्सेबल है। तो सेक्शन नंबर 22 आपसे बोलता है अगर आपके पास घर है, इफ यू आर ओनर ऑफ एनी हाउस प्रॉपर्टी, और भैया आपके पास घर है, आप उसके क्या हो, ओनर। अगर इस घर से आप रेंटल इनकम कमाते हो तो आप ये कहां पर टैक्सेबल करोगे, सेक्शन नंबर 22 के अकॉर्डिंग हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सर यही प्रॉपर्टी को जब हम बेचते हैं, बेटा जब आप इसी प्रॉपर्टी को बेचते हो तो लगता है 45(1) एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। जब आप हाउस प्रॉपर्टी किराए पे देते हो तो हाउस प्रॉपर्टी, जब आप हाउस प्रॉपर्टी बेच देते हो तो कभी कभी वो 45(1) के अंदर जाता है और कहां लगता है, कैपिटल गेन। सर यही हाउस प्रॉपर्टी अगर बिल्डर बेचता है तो बेटा उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड होता है और कहां टैक्सेबल होता है, पीडीपीपी के अंदर। तो मैंने आपको हर टॉपिक में स्टार्टिंग में 5 मिनट बिल्कुल बेस पे देता हूं ताकि आपका बेस क्लियर रहे। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो किराए पे दी हो, जो भी प्रॉपर्टी किराए पे नहीं दी वो कौन सी हो जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और सेक्शन नंबर 22 चार्जिंग सेक्शन आपसे सिंपल सी कंडीशन रखता है आपके सामने, बोलता है अगर आपके पास घर है आप उस घर के मालिक हो, ओनर हो, आपके पास घर है आप उसके ओनर हो, भैया कोई भी इनकम जो आप रेंटल के फॉर्म में अर्न करोगे वो कहां टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिएगा हाउस प्रॉपर्टी के बारे में एक सिंपल सा चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा, ये चार्ट बहुत सिंपल सा है और इस चीज को एक बार देखिएगा अच्छे से। लेट आउट प्रॉपर्टी, सर लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो किराए पे दी थी, बेटा ऑब्वियसली बात है जब आपने कमाया था तो सरकार भी आपसे टैक्स लेगी, तो लेट आउट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था एसओपी, एसओपी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो लेट आउट ना हो। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, एसओपी दो टाइप की हो सकती है, एक रेसिडेंट वाली, मतलब समझिएगा बात को, एक ऐसी एसओपी होगी जिसको आप बिजनेस प्रोफेशन में यूज करोगे। सर बिजनेस प्रोफेशन में यूज करेंगे तो क्या, बेटा बिजनेस प्रोफेशन में यूज करोगे तो आपको उससे रिलेटेड डिडक्शन क्लेम करने को मिलेंगे पीजीबीपी के अंदर। तो हम इस प्रॉपर्टी की तो बात ही नहीं करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो एसओपी कहां पर यूज रही है, बिजनेस प्रोफेशन वी आर गोइंग टू इग्नोर इट इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे ऐसी एसओपी जो कि बिजनेस में यूज नहीं हो रही, मतलब अदर एसओपी। लेट आउट प्रॉपर्टी फुली टैक्सेबल, अगर एसओपी है तो अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो उसका ट्रीटमेंट आप पीडीबीपी के अंदर करोगे, उसके डिडक्शन क्लेम करोगे। अगर भैया वही एसओपी आपकी रेसिडेंट पर, मतलब अगर पीडीबीपी के लिए नहीं है तो वो आपकी आएगी एसओपी इस वाले में। अच्छा, यहां पर एक सिंपल सी चीज थी, यहां पर सरकार पता है आपसे क्या बोलती है, सरकार आपसे बोलती है कि कोई भी दो एसओपी आप एग्जेम्प्ट करवा लेना। अरे किसी पर्सन के पास, मुकेश अंबानी के पास 10 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मतलब मुकेश अंबानी के पास हो सकता है 10 प्रॉपर्टी है जिसको उसने किराए पे नहीं दिया। किराए पे देता तो कौन सी प्रॉपर्टी होती, लेट आउट, जिसको किराए पे नहीं दिया वो कौन सी हो जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसके पास 10 प्रॉपर्टी है तो सरकार उससे बोल रही है मुकेश अंबानी हम कोई भी दो प्रॉपर्टी आपकी क्या कर देंगे, एसओपी। मतलब ध्यान से सुनिएगा, एक पर्सन मैक्सिमम कितनी एसओपी क्लेम कर सकता है, ही कैन क्लेम ओनली अप टू मैक्सिमम 2 एसओपी। बाकी एसओपी का क्या करेंगे, बेटा बाकी एसओपी अगर मान लीजिए किसी के पास 10 से ज्यादा है तो कोई भी 2 एसओपी को आप क्या मान लोगे, एसओपी। बाकी सभी एसओपी को आपको क्या मानना पड़ेगा, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। मतलब एक तीसरी टाइप की प्रॉपर्टी आपके सामने निकल के आई, वो हो जाएगी आपकी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। और निकलेगी कहां से, बेटा 2 से ज्यादा एसओपी है, तो दो, अगर 2 से ज्यादा एसओपी है तो पता है आप 2 को तो क्या मानोगे, एसओपी। बाकी जो जितनी भी ज्यादा है, 2 से ज्यादा, मान लीजिए इस पर्सन के पास 5 हैं, तो 5 में से 2 तो एसओपी हो गई, 3 क्या हो जाएंगी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। सर ये डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, बेटा सरकार आपकी इस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा देगी भले ही आपने उस पर किराया नहीं अर्न किया।
तो दो प्रॉपर्टी आपके लिए टैक्सेबल होने वाली है. फर्स्ट इट इज गोइंग टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी. सेकंड कौन सी टैक्सेबल होने वाली है? डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी. सर लेट आउट प्रॉपर्टी पे टैक्स मांग रहे हैं, उनका हक बनता है. बेटा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी पे टैक्स मांग रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को किराए पर दे दो. आप रहने के लिए दो घर तक यूज कर सकते थे, आप दो से ज्यादा ये करने नहीं देंगे आपको. अगर आपके पास 5 SOP है तो कोई भी 2 SOP को आप क्या मान लोगे? सेल्फ ऑक्युपाइड. बाकी को क्या मानना पड़ेगा? डीम टू बी लेट आउट. सर मेरी 2 प्रॉपर्टी मुंबई में है, बाकी भोपाल में है. मैं रहता भोपाल में. बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप कोई भी 2 प्रॉपर्टी को क्या मान सकते हो? SOP. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप उसमें रहते हो या नहीं रहते. रहने से कोई मतलब ही नहीं है. मैं आपको बता दूं, कोई भी 2 प्रॉपर्टी को आप क्या मान लोगे? SOP, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी. उससे फायदा क्या होगा? सर SOP पे टैक्स नहीं लगेगा. SOP is not taxable, बल्कि उल्टा फायदा मिल सकता है SOP में. सर वो इंटरेस्ट का लॉस क्लेम करने को मिलता है मुझे 2 लाख रुपए तक SOP के केस में. चलिए अभी तक तो अपन बिल्कुल बेसिक वाली बात कर रहे थे. अब अपन बात करेंगे बेटा एक फॉर्मेट के बारे में. जब भी हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक फॉर्मेट आपके सामने बनाऊंगा. इस फॉर्मेट में आपको उसको सॉल्व करना है. बच्चे सभी बच्चे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे. सबसे पहली चीज आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV. सर कैसे आता है? बेटा देखेंगे कैसे आता है. एक तो होगा GAV, इसमें से एक चीज आप माइनस करोगे, दैट इज म्युनिसिपल टैक्सेस पेड. अच्छा GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या रहेगा? NAV, नेट एनुअल वैल्यू. इसमें से दो और डिडक्शन मिलेंगे. फर्स्ट इज 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड इज इंटरेस्ट. ये दो और डिडक्शन आप जिस दिन माइनस कर दोगे आपके पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. एक सिंपल सा फॉर्मेट, एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें एक सिंपल सा फॉर्मेट. फॉर्मेट क्या बोला है आपसे? फॉर्मेट बोला है सबसे पहले आप क्या ले लोगे? GAV. GAV में से क्या माइनस कर दोगे? म्युनिसिपल टैक्स. GAV में से क्या माइनस कर दोगे? म्युनिसिपल टैक्स. ध्यान से सुनना बच्चे, यहां पर म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं करना, म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस करना है. अगर आपने सही में जितना भी म्युनिसिपल टैक्स पे किया वो आपको माइनस करने को मिलेगा. सर करंट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स 20,000 है, करंट ईयर का 20,000 है, लेकिन पे 60,000 करा है. सरकार बोलती है 20,000 जाए भाड़ में, हम तो कितना अलाउ करेंगे? 60,000. जितना भी म्युनिसिपल टैक्स आपने करंट ईयर में पे किया है, एंटायर म्युनिसिपल टैक्स इज गोइंग टू बी अलाउड एज डिडक्शन. क्या हम कह सकते हैं यहां पर म्युनिसिपल टैक्स का पेड का डिडक्शन कैश बेसिस पे मिलेगा? यस, कैश बेसिस अलाउड है. और कैश बेसिस का मतलब क्या है? किस साल का है हमें फर्क नहीं पड़ता. हमें फर्क पड़ता है म्युनिसिपल टैक्स के पे करने से. अगर पे किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा. सर अगर इस साल का म्युनिसिपल टैक्स 5,000 रुपए है लेकिन हमने पे ही नहीं किया, नहीं मिलेगा डिडक्शन. डिडक्शन जब ही मिलेगा जब आप पे करोगे. कितना मिलेगा? जितना आप पे करोगे. क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेगा म्युनिसिपल टैक्स 40,000 है. बच्चे ध्यान सुनना, मैं आपको सभी बारीकियों से यहां पर वो कराऊंगा. तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि म्युनिसिपल टैक्स 40,000 है लेकिन आपने पे मात्र 15,000 किया तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 15,000. क्वेश्चन आपको एक और तरीके से बोलेगा आपका म्युनिसिपल टैक्स 20,000 है लेकिन आपने पे 35,000 कर दिया तो इस बार आपको कितने का डिडक्शन मिलेगा? 35,000 रुपए का. फॉर्मेट क्या बोल रहा था? फॉर्मेट बोला है GAV में से क्या माइनस कर देंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड. क्या आ जाएगा? NAV. और GAV मतलब क्या होता है सीखेंगे बेटा. सबसे टेक्निकल यहां पर अगर कुछ है तो वो GAV है. बहुत सिंपल है वो, लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर कुछ टेक्निकल है तो वो GAV है. म्युनिसिपल टैक्स पेड के बारे में तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि म्युनिसिपल टैक्स जितना आपने पे करा वो आपको अलाउड होने वाला है डिडक्शन. अच्छा सर म्युनिसिपल टैक्स पेड, बेटा म्युनिसिपल टैक्स पेड को हाउस टैक्स भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं, म्युनिसिपल टैक्स भी बोलते हैं, म्युनिसिपल टैक्स भी बोलते हैं, किसी भी नाम से कुछ भी बोलूं लोकल टैक्स भी बोलते हैं. अनगिनत उसके नाम दिख रहा है मुझे, 5-1 तो मैंने बता दिया आपको. कोई भी नाम से अगर आपको लग रहा है कोई टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टी तो उसका आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन ऑन कैश बेसिस. अच्छा एनएवी मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है. 2 मिनट के लिए अज्यूम करिएगा आपकी एनएवी आई 1 करोड़ रुपए. अब बेटा अपन म्युनिसिपल टैक्स पेड की बात नहीं करेंगे, वो अपन कर चुके हैं. तो एनएवी मान लीजिए आपकी आई 1 करोड़ रुपए. जो भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू होगी, जो भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू होगी उसका 30% आपको क्या मिलने वाला है? स्टैंडर्ड डिडक्शन. बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, एनएवी का 30% होने वाला है स्टैंडर्ड डिडक्शन. एनएवी का 30% क्या होने वाला है? स्टैंडर्ड डिडक्शन. सर व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन? बेटा कायदे से इनकम टैक्स में आपको इनकम के अगेंस्ट खर्चों के डिडक्शन मिलना थे, आपकी नेट इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए थी. लेकिन होता क्या है कि वैसे तो PDBP वगैरह में आप जाओगे तो आपको खर्चों के डिडक्शन मिलते हैं, लेकिन बेटा कुछ जगह पे कुछ हेड में डिडक्शन अपने नाम से नहीं मिलते. सरकार क्या करती है? सरकार सोचती है, बेटा ध्यान सुना, सरकार सोचती है मैं हर एक एक पर्सन के एक एक घर का हिसाब रखूंगा कितना उस पर खर्चा हुआ और डिडक्शन दूंगा. इसकी जगह पे क्यों ना मैं एक फ्लैट डिडक्शन सबको दे दूं, यूनिफॉर्मली सबको दे दूं. सर हमने खर्चा नहीं करा कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम इटसेल्फ बता रहा है सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा. बराबर मतलब एनएवी का 30%. सर मेरी एनएवी 1 करोड़ है, चलो 1 करोड़ का 30% ले लो 30 लाख. सर किसी और की एनएवी 2 करोड़ है वो ले लेगा 60 लाख.
सर लेकिन उसने खर्चा 1 लाख करा, कोई फर्क नहीं पड़ता खर्चे से बेटा, आपको जो भी एनएबी होगी उसका 30% क्या मिलने वाला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, उस नाम का मतलब ही है। सर सैलरी में भी पड़ा है स्टैंडर्ड डिडक्शन? यस बेटा पड़ा होगा सैलरी में, 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिलता है सर? बेटा ध्यान सुनना, सैलरी में भी आपको खर्चों का माइनस करने को मिलना चाहिए था, क्योंकि अलाउ नहीं किया इसलिए आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया उन खर्चों के एवज में। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको खर्चों की वजह से मिल रहा है। जो कील आपने ठुकवाई है घर में उसका डिडक्शन नहीं मिल रहा, जो रिपेयर करवाई है उसका नहीं मिल रहा, आपको फ्लैट क्या मिल रहा है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज गोइंग टू बी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। आई होप आई एम क्लियर विद स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। अच्छा इसके अलावा इंटरेस्ट, अगर हाउस प्रॉपर्टी में कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है तो वो है ये। बच्चे सब लोग फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इंटरेस्ट जो भी आप पे करोगे ना हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सर हमने हाउस प्रॉपर्टी का लोन लिया इंटरेस्ट पे करा डिडक्शन मिलेगा, देखना मैं आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सर हमने हाउस प्रॉपर्टी लोन लिया और इंटरेस्ट पे करा डिडक्शन मिलेगा, सर हमने हाउस प्रॉपर्टी लोन नहीं लिया पर्सनल लोन लिया लेकिन उस लोन को यूज हमने घर में किया डिडक्शन मिलेगा। सीधी सी बात है बेटा, सरकार को कोई मतलब नहीं है कि आपने लोन किससे लिया, मिस्टर मास से लिया, बैंक से लिया, एनबीएफसी से लिया, नहीं सरकार को इससे भी कोई मतलब नहीं है कि आपने लोन कौन सा लिया, हाउसिंग लोन लिया या कौन सा लिया। बेटा कोई सा भी लोन लिया आपने, अगर आपने उस पैसे को कहां पर यूज करा है, इस पर्टिकुलर घर में, अगर उस पैसे को आपने इस घर में यूज करा है तो आपको उसके इंटरेस्ट का क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। तो बारीक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं है कि हाउस प्रॉपर्टी लोन का ही मिलेगा, अगर पर्सनल लोन गोल्ड लोन का पैसा भी यूटिलाइज यहां किया तो उसका भी इंटरेस्ट का मुझे क्या मिलने वाला है, डिडक्शन अंडर दिस, मतलब इस जगह पे। चलिए इंटरेस्ट। अच्छा सेकंड चीज, म्युनिसिपल टैक्स पेड का डिडक्शन आपको किस बेसिस पे मिलने वाला था, कैश बेसिस पे। बेटा ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको कैश नहीं, आपको किस बेसिस पे मिलेगा, ड्यू बेसिस। आपका 12 महीने का इंटरेस्ट मान लीजिए 144,000 है, आपने पे नहीं करा तो भी आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन, ड्यू बेसिस पे आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। मैं आपको बता दूं बैंक वगैरह प्रैक्टिकली आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि साल भर का आपका इंटरेस्ट इतना था, आप उस सर्टिफिकेट को लेके आते हो, एक सीए को देते हो, वो आपका डिडक्शन ले लेता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? अच्छा इंटरेस्ट से रिलेटेड और भी अपन बातें करेंगे, अभी अपन फॉर्मेट पे आए थे और फॉर्मेट के अंदर हमने क्या सीखा, सबसे पहले हम उठाएंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से क्या माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, क्या निकल कर आएगा नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से दो और चीज माइनस करेंगे, फर्स्ट इज 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन। सर हाउस प्रॉपर्टी लोन नहीं है, पर्सनल लोन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में यूज हुआ पैसा डिडक्शन मिलेगा। सर लोन बैंक से नहीं लिया, मिस्टर मास से लिया, मिलेगा डिडक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? चलिए अब बेटा अपन आते हैं, सबसे जो कोर कंसेप्ट है यहां पर इसी कैलकुलेशन का, वो है जीएबी का कैलकुलेशन, क्योंकि आपको जीएबी कैलकुलेट करना पड़ेगा इन एग्जाम। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि वो आपको जीएबी दे देगा, म्युनिसिपल टैक्स पेड वगैरह आप माइनस कर दोगे, करना यही है, लेकिन आपको जीएबी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चे ध्यान से सुनना, जीएबी कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा म्युनिसिपल रेंट या फिर म्युनिसिपल रेंट। ये जो म्युनिसिपल रेंट होगा इसको आप कंपेयर करोगे फेयर रेंट से, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट में से आप ले लोगे व्हिचएवर इज हायर। सर व्हाट इज म्युनिसिपल रेंट? बेटा रेंट डिसाइडेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर व्हाट इज फेयर रेंट? रेंट डिसाइडेड बाय यू एंड योर टेनेंट, है ना, लैंड ओनर और टेनेंट के बीच में जो रेंट डिसाइड होता है, जो मार्केट में रेंट चल रहा है उसको आप क्या बोलते हो, फेयर रेंट। इन दोनों में से आपको कौन सा लेना है? सर व्हिचएवर इज हायर, जो भी हायर आएगा, जो भी हायर आएगा इन दोनों का, जो भी हायर होगा बेटा उस हायर वाले फिगर को आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से। सर व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? अभी बताऊंगा बेटा व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट, पहले देख लो हायर वाले फिगर को आप किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड रेंट, और इस बार आप क्या ले लोगे, व्हिचएवर इज लोअर। बेटा सिंगल लेयर ऑफ कंपैरिजन नहीं है, टू लेयर ऑफ कंपैरिजन है। पहले दो चीजों को कंपेयर करके हायर लोगे, दो चीज कौन कौन सी, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, क्या ले लोगे, व्हिचएवर इज हायर। उसके बाद जो भी हायर आएगा उसको आप किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड रेंट, और क्या ले लोगे, व्हिचएवर इज लोअर। सर व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? बेटा स्टैंडर्ड रेंट, किसी किसी जगह पे प्रॉपर्टी के किराए बहुत महंगे हो सकते हैं सच एस मुंबई, तो वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, ताकि हर इंसान वहां पर रह पाए, तो है ना रेंट के मतलब रेट डिसाइड कर देती है कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो, तो जो रेंट पे वो लिमिट लगाते हैं कि इससे ज्यादा आप रेंट नहीं ले सकते हो, तो उस रेंट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। बेटा एमपी में ऐसा कोई रेंट नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा रेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्वेश्चन आपको बताएगा, अगर क्वेश्चन ने आपको बता दिया स्टैंडर्ड रेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फेयर रेंट और रीजनेबल रेंट, फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट को कंपेयर करके हायर लोगे, और उस हायर को किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड रेंट, और क्या ले लोगे, व्हिचएवर इज लोअर। और जो भी ये लोअर आएगा इसी को आप क्या बोलते हो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये जो लोअर है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब आपको फॉर्मेट एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज जीएबी। बेटा जीएबी, एक सेकंड, ये जो आएगा ना जीएबी नहीं होगा आपका, ये आपका आएगा बेटा एक्सपेक्टेड रेंट, दिस इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा जीएबी का मैं अगर आपको फॉर्मूला बताऊं, तो जीएबी में भी दो चीजें, एक्सपेक्टेड
और एक्चुअल, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। बेटा ये सब करके आपने क्या तो कैलकुलेट करना सीख लिया, एक्सपेक्टेड रेंट, अभी क्या कैलकुलेट करना बाकी है, एक्चुअल रेंट। बेटा ध्यान सुनना, एक्चुअल रेंट आप लॉजिकली सोच पाओगे, लेकिन जो आप लॉजिकली सोच पाओगे वो एक्चुअल रेंट नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअल रेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सही सॉल्व करना चाहते हो। सिंपल टॉपिक है लेकिन उसके कंसेप्ट से इधर नहीं भागना पड़ेगा आपको। एक घंटे का टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूं, एक ही घंटे में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल रेंट की। एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू, सभी बच्चों का फोकस होना चाहिए, आप इस चीज को सबसे हल्के में लेते हो जबकि ये चीज सबसे ज्यादा काम की है। एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू, आपको पता है आप क्या करते हो, एक्चुअल रेंट नाम से दिख रहा है आपको, एक्चुअल 20,000 रुपए पर मंथ दिया होता है आप ले लेते हो उसे, नहीं करना ऐसा। आपको पता है क्या करना है, एक्चुअल रेंट का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बोलता है रेंट रिसीव्ड। आप देखना कुछ ना कुछ आप यही जरूर सीखोगे, रेंट रिसीव्ड में ये एक और चीज प्लस करवाता है रेंट रिसीवेबल, और एक चीज ये माइनस करने को बोलता है, दैट इज योर अनरियलाइज्ड रेंट। बच्चे सभी बच्चे फोकस करेंगे, सर व्हाट इज रेंट रिसीव्ड, बेटा वो किराया जो आपको मिल चुका है। रेंट रिसीव्ड का मतलब आपको पता है वो किराया जो आपको मिल चुका है। एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, आपकी एक प्रॉपर्टी है, 12 महीने वो प्रॉपर्टी किराए पे दी गई, आपको 9 महीने का किराया मिल चुका है, 9 मंथ रेंट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। तो रिसीव कितना हो चुका है, 9 महीने का किराया, और किराया है 20,000 रुपए पर मंथ। चलिए मुझे एक बात बताइए, कितना रेंट आपका रेंट रिसीव्ड आ जाएगा, तो 20,000 रुपए के हिसाब से 9 महीने का किराया मतलब कितना यार, 1,80,000। सर व्हाट इज रेंट रिसीवेबल, बच्चे प्लीज ध्यान दीजिएगा, रेंट रिसीवेबल क्या, रेंट रिसीवेबल मतलब वो किराया जो मिलना बाकी है। बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, रेंट रिसीव्ड कितना है, 9 महीने का किराया आ गया रेंट रिसीव्ड। सर रिसीवेबल कितना है, बेटा कितने महीने का अभी मिलना बाकी है, सर 3 महीने का अभी आउटस्टैंडिंग है, तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग किराया आपका क्या हो जाएगा, रिसीवेबल। तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग किराया कितना आ जाएगा, 60,000। सभी बच्चे फोकस करेंगे, आपको ये गलत पता रहता है क्योंकि ये मुझे मालूम है, 9 महीने का किराया रेंट रिसीव्ड कितना आ गया, 1,80,000, 3 महीने का किराया रेंट रिसीवेबल कितना आ गया, 60,000। आप देखिए क्या इन दोनों को मिला के 12 महीने हो चुके हैं, यस। सर 9 महीने का मिल चुका है मतलब कितने महीने का मिलना बाकी है, 3 महीने का। अगर प्रॉपर्टी 12 महीने किराए पे गई है तो कितने महीने का मिलना बाकी है, 3 महीने का। अब सर व्हाट इज अनरियलाइज्ड रेंट, बच्चे ध्यान दीजिएगा, अनरियलाइज्ड रेंट मतलब बैड डेट ऑफ रेंट। आपको पता है ना पैसा डूब जाता है, उस पैसे डूब जाने को ही क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। सरकार आपसे बोलती है एक्चुअल रेंट के फॉर्मूले के अंदर कि आपको अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने को मिलेगा, प्रोवाइडेड आपको कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। बच्चे फोकस करिएगा, अनरियलाइज्ड रेंट आपको माइनस करने को मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि आपकी टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए। टेनेंसी बोनाफाइड होने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए। जैसे कि आपका जो किराएदार है, अगर वो आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आप उसको निकाल दो उस प्रॉपर्टी से। और भैया अगर वो आपकी 5 प्रॉपर्टी किराए पे लेके बैठा है, आपकी एक प्रॉपर्टी का किराया नहीं दे रहा, तो आप उसको बाकी की 4 प्रॉपर्टी भी उससे खाली करवा दो। तो टेनेंसी बोनाफाइड क्या होना चाहिए बेटा, बोनाफाइड मतलब ऐसा होना चाहिए कि रीजनेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा और आपका कुछ मतलब अपन दोनों मिले हुए हैं कि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो और आप लोग मुझसे बोल रहे हो कि मैं आपको किराया नहीं दे रहा। बेटा बोनाफाइड होना चाहिए, बोनाफाइड का मतलब क्या है कि मैं कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले रहा हूं, जैसे कि यार वकील वगैरह से मैंने आपको नोटिस भिजवाया हो कि आप मेरा किराया नहीं पे कर रहे हो, और अगर आप मेरा घर यूज कर रहे हो तो मैंने आपको उस घर से निकलवा दिया हो क्योंकि यार आप मेरे टेनेंट हो, समझ रहे हैं मेरी बात। और उस घर के अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप मेरी ऑक्यूपाई करके बैठे हो तो मैं आपको उन प्रॉपर्टी से भी अगर निकाल दूंगा, अगर मैं सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर दूंगा, टेनेंसी बोनाफाइड हो जाएगी, तो ही आपको क्या माइनस करने को मिलेगा, अनरियलाइज्ड रेंट। हम कहां पर थे बेटा, हम थे फॉर्मेट पर, हम एक फॉर्मेट पे थे जिसके बिना हमारा हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और फॉर्मेट क्या बोला है, जीएबी। What is GAV? Actual rent or expected rent, whichever is higher. Sir, what is actual rent? बेटा actual rent का एक formula है, simple सा, rent received plus receivable minus unrealized rent. Sir, यहाँ पर received हो गई थी 9 महीने का किराया, तो ऊपर ले लिया 9 महीने का किराया। Sir, receivable मिलना बाकी था 3 महीने का किराया, तो हमने ले लिया, तो total ये कितने महीने का हो गया है, 12 महीने। बेटा 1 महीने का था bad debt, 1 महीने का किराया था bad debt, मतलब 1 महीने का किराया सामने वाले ने देने से मना कर दिया, और tenancy bona fide है। टेनेंसी बोनाफाइड का मतलब क्या, आपने मेरी प्रॉपर्टी खाली भी कर दी, मैंने आपसे मेरी सभी प्रॉपर्टियां खाली करवा दी, और मैंने आपको एक लीगल नोटिस भी दे दिया है कि यार आप मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। तो उस केस में आपको
एक महीने का किराया, जो एक महीने का किराया आपका बेड डेट है वो आपको माइनस करने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जब तक टेनेंसी बोनाफाइड नहीं होगी माइनस करने को नहीं मिलेगा। अगर टेनेंसी बोनाफाइड होगी तो ही आपको ये 20,000 माइनस करने को मिलेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये माइनस करने को मिल गया तो कितना अमाउंट आने वाला है? 2,20,000। इन एग्जाम आपको ऐसे ही करना है। अगर आपने यहां पर लेमन लैंग्वेज चलाई, निपटारा हो जाएगा। आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। और रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल में आप ले लोगे सर पूरे 12 महीने का, और बाद में एक महीने का जब हटाओगे, जब आपको रीजन दिख रहे हो वहां पर टेनेंसी बोनाफाइड हो रही हो। ये तो क्या था आपका एक्चुअल रेंट। अभी अपन जो बात कर रहे थे ये था एक्चुअल रेंट। इसको किससे कंपेयर करना था? जीएवी के अंदर एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि जीएवी इज हायर ऑफ एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। एक्चुअल मतलब वही फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड मतलब क्या? एक्सपेक्टेड में बेटा आपको करना पड़ेंगे दो कंपैरिजन। फर्स्ट इज फेयर रेंट का आप कंपैरिजन करोगे म्युनिसिपल रेंट से, और क्या ले लोगे? व्हिचएवर इज हायर, वो जो भी हायर आएगा उसको आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से, और क्या ले लोगे? व्हिचएवर इज लोअर, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। मान लीजिए बेटा एक्सपेक्टेड रेंट एक रुपए है और एक्चुअल रेंट दो रुपए है, तो बताइए जीएबी क्या हो जाएगा आपका? दो रुपए। सर इसमें से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड, जो सही में म्युनिसिपल टैक्स आपने करंट ईयर में पे किया है वो आप क्या करोगे? माइनस। तो आपका क्या निकल कर आएगा? एनएवी नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से क्या माइनस करोगे बेटा? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ एनएवी और इसके अलावा इंटरेस्ट। तो आपका क्या आने वाला है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ऐसा हम कितनी बार करेंगे? जितने घर होंगे उतनी बार करोगे, जितने घर होंगे उतनी बार करोगे। सर एक ही घर है, अलग अलग किराएदार हैं तो अलग अलग करोगे, समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में आती नहीं है। एक काम करते हैं, ये देखिए ये है आपके सामने फॉर्मेट, लेकिन यहां पर आपको एक चीज गिवन है, एसओपी एलओपी और डीएलओपी। आप मुझे बताइए एसओपी मतलब क्या? आप बताइए एसओपी। एसओपी मतलब वो प्रॉपर्टी जो आपकी एग्जेम्प्ट थी। आप मुझे बताइए कोई भी पर्सन मैक्सिमम कितनी एसओपी क्लेम कर सकता था? दो प्रॉपर्टीज। तो यहां पर वही दो एसओपी की बात हो रही है। तो एसओपी टैक्सेबल होती है? एसओपी तो एग्जेम्प्ट है। सर एसओपी तो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल कौन सी है बेटा? एलओपी। टैक्सेबल कौन सी है बेटा? डीम टू बी एलओपी। अगर किसी पर्सन के पास 5 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो कोई भी दो प्रॉपर्टी वो एसओपी मानेगा, बाकी प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अब देखिएगा इनमें फर्क बेटा, अगर आपकी एलओपी है तो एलओपी के केस में आप म्युनिसिपल वैल्यू लोगे, फेयर रेंट लोगे, और इन दोनों का क्या कर लोगे? व्हिचएवर इज हायर, जो भी आपका हायर आएगा इसको आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से, और इस बार आप क्या ले लोगे? व्हिचएवर इज लोअर। ये जो लोअर आया ये आपका पता है क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। सर इसके बाद हम क्या लेंगे बेटा? आपको लेना पड़ेगा एक्चुअल रेंट फॉर्मूला, रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। तो देखिएगा यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, एक्चुअल रेंट आ गया, इन दोनों को कंपेयर करोगे, हायर ले लोगे, क्या आ जाएगा? जीएबी। जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करोगे आ जाएगा एनएबी। एनएबी में से दो डिडक्शन आपको पता है तो आपका क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं आपको एक चीज बस दिखाना चाहता हूं, एलओपी और डीएलओपी में सिर्फ एक फर्क है। मैंने सिर्फ आपको एलओपी बताया, मैं दूसरे आपको बताऊंगा भी नहीं, लेकिन आप देखिएगा एलओपी और डीएलओपी में सिर्फ एक फर्क है बेटा। फर्क ये है कि डीएलओपी आपने किराए पे नहीं दी, सरकार ने माना था कि आपने किराए पे दिए, तो आपको कोई भी एक्चुअल रेंट वहां पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका बेटा एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला वहां पर फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रेंट में सही में किराया होता तो आता। अरे मेरे पास 5 प्रॉपर्टी थी, 5 किराए पे नहीं थी, 2 प्रॉपर्टी आपने एसओपी मानी, 3 को आपने कहां पटक दिया? डीएलओपी में। तो डीएलओपी में एक्सपेक्टेड रेंट तो आ जाएगा, लेकिन कौन सा रेंट नहीं आएगा? एक्चुअल रेंट। क्यों नहीं आएगा बेटा? किराए पे आपने दी ही नहीं है। अगर दी होती तो ये प्रॉपर्टी डीएलओपी नहीं होती, फिर ये कौन सी हो जाती? एलओपी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात? तो एलओपी और डीएलओपी के कैलकुलेशन में सिर्फ एक फर्क, एक्चुअल रेंट का ना होना इन केस ऑफ डीएलओपी, बिल्कुल लॉजिकल है। अच्छा एसओपी, सर एसओपी का कैलकुलेशन यहां पर क्यों लिखा है बेटा? एसओपी के केस में आपको टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन सरकार फिर भी, क्योंकि सरकार घर के केस में हमेशा बेनिफिट देती है, तो यहां पर सरकार आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन देती है। सर इंटरेस्ट के डिडक्शन का क्या करेंगे? अचार डालेंगे। हाँ बेटा अचार डालेंगे अपन, 2,00,000 रुपए का यहां पर इंटरेस्ट का लॉस। अगर मेरी वो दो एसओपी, मान लीजिए बेटा ये जो दो एसओपी है मेरी, ये मैंने लोन पे लिए, तो इसका जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूं मैक्सिमम 2,00,000 रुपए तक का यहां पर क्या मिल जाएगा आपको? उसका लॉस। तो बेटा ये जो आप इंटरेस्ट क्लेम करोगे यही आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉस में। सर एसओपी के केस में क्या हमेशा लॉस आएगा बेटा? या तो जीरो होगा या लॉस होगा, कभी भी इनकम नहीं होगी। एसओपी के केस में इधर इट इज गोइंग टू बी जीरो इनकम, या तो बेटा आपने उसको लोन लेके नहीं लिया होगा तो जीरो आएगा यहां, और जीरो नहीं आएगा तो यहां पर इंटरेस्ट की वजह से आपको क्या आएगा? लॉस। सर इस लॉस का क्या करेंगे बेटा? मान लो यहां 2,00,000 का लॉस है और लेट आउट में 10,00,000 की इनकम है, तो ये 2,00,000 के लॉस को आप 10,00,000 की इनकम में एडजस्ट करके नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर लोगे? 8,00,000 रुपए। सर हमारे पास तो लेट आउट प्रॉपर्टी ही नहीं है,
अगर आपके पास लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं है तो बेटा 2 लाख का लॉस है ना हाउस प्रॉपर्टी में, इसका आप इंटरनेट एडजस्टमेंट कर सकते हो 2 लाख रुपए तक। आपको पता है, आपने पढ़ा था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में कि हाउस प्रॉपर्टी का इंट्रा तो पॉसिबल है अनलिमिटेड, इंटरनेट एडजस्टमेंट भी 2 लाख रुपए तक आप कर सकते हो उसका। मतलब क्या सर, इससे हम पीजीबीपी को कम कर लेंगे? यस बेटा कर सकते हो। सर कैसे, हम अदर सोर्सेज को कम कर लेंगे? यस बेटा आप कर सकते हो। इससे आप सैलरी भी कम कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, एक सबसे बेस्ट टैक्स प्लानिंग होती है सैलरी वालों के लिए ये हाउस प्रॉपर्टी का खरीदना। 14 लाख की सैलरी मान लो आपकी फाइनल है, तो उसमें आप 2 लाख रुपए का ये लॉस एडजस्ट करके 12 लाख पे ले आते हो, तो उससे आपका 2 लाख रुपए का 30% टैक्स बच जाता है, 60,000 रुपए। चलिए, एक ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। लेट आउट वाली प्रॉपर्टी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी पूरी तरीके से, डीएलओपी भी टैक्सेबल होगी। कैलकुलेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है, डीएलओपी के केस में एक्चुअल रेंट पॉसिबल ही नहीं है वहां पर होना, और एसओपी के केस में टैक्सेबिलिटी कुछ नहीं है, लेकिन सरकार आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है। बेटा ध्यान सुनना, यहां पर आपका हक नहीं था इस बेनिफिट को लेने का, आपने कोई ऐसा काम करा नहीं था कि आपको लॉस का डिडक्शन दे, लेकिन आपको लॉस का डिडक्शन यहां पर देखने को मिलेगा एसओपी के केस में। सरकार आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है जिसका आपको हक तक नहीं है। यहां पर कुछ आपके सामने टर्मिनोलॉजीज है, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है भैया म्युनिसिपल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो आपकी रेंट हो। फेयर रेंट मतलब मेरा और आपका जो मतलब इस एरिया का जो मार्केट रेंट चल रहा है, मार्केट रेंट को क्या बोलते हैं बेटा? फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने यहाँ लिमिट लगाती है कि इससे ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकता, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। और एक्चुअल रेंट सबसे इंपॉर्टेंट, रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवल माइनस अनरियलाइज रेंट। और बेटा ये माइनस अनरियलाइज रेंट के लिए आपको वो टेनेंसी बोनाफाइड होना चेक करना पड़ेगा। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? म्युनिसिपल टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था टैक्स रिकवर्ड बाय म्युनिसिपैलिटी या फिर लोकल अथॉरिटी। अगर नगर पालिका, नगर निगम वगैरह जो टैक्स देते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल टैक्स। इसके अलग अलग नाम होते हैं बेटा, जैसे कि हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स एंड सो ऑन। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। और देखिए क्या लिखा है, अलाउड इफ इट इज पेड। सिर्फ कब अलाउ होगी? जब आपने पे की होगी। सर अगर किराएदार नहीं पे करिए, बेटा किराएदार ने पे करिए तो आपको अलाउड नहीं होगी। अगर आपकी पॉकेट से पे की गई होगी तो आपको अलाउड होगी। सर क्या होगा अगर म्युनिसिपल टैक्स एज अ परसेंटेज गिवन हो, नहीं बताया किसका परसेंटेज? बेटा अगर म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज का गिवन हो तो आपको परसेंटेज लगा देना है जिसका गिवन हो। अगर नहीं बताया तो म्युनिसिपल टैक्स किस वैल्यू से, इनमें से कौन सी वाली वैल्यू से ज्यादा लिंक दिख रहा है? म्युनिसिपल वैल्यू। तो अगर आपको बताया 10% इज अ म्युनिसिपल टैक्स, नहीं बताया किसका 10%, तो किसका 10%? म्युनिसिपल वैल्यू। चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन, बच्चे ध्यान देना सब लोग, यहां पर कुछ बारीकियां मैं आपके सामने डिस्कस करते चलूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट थोड़ा सा बारीक वाला पॉइंट है। Allowed is deduction if loan is taken for the purpose of house property construction repair renovation। बच्चे ध्यान सुनना, घर में खरीदने के लिए लोन लूं तो भी इंटरेस्ट अलाउड है, घर को बनाने के लिए लूं तो भी अलाउड है, घर को रिपेयर या रेनोवेट कराने के लिए लूं तो भी जो इंटरेस्ट पे करूंगा उसका मुझे क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। अच्छा सेकंड चीज, लोन मे बी टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, फैमिली, फ्रेंड। बेटा चाहे आप लोन बैंक से लो चाहे मिस्टर मास से लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दोनों ही केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। सर इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, ध्यान से सुनना, म्युनिसिपल टैक्स वाज अलाउड ऑन कैश बेसिस बट इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। सर पे नहीं करा तो भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? यस। पीनल इंटरेस्ट, बेटा पीनल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसा इंटरेस्ट जो पेनल्टी के नेचर में हो, वो इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होगा। पीनल इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो पेनल्टी के नेचर में हो, इंटरेस्ट मतलब कंपनसेशन के नेचर में हो, पेनल्टी अलग होती है। तो अगर पीनल इंटरेस्ट से मैं आपको बता दूं, बैंक वगैरह जालसाजी करके अपन से क्या वसूलते हैं? पीनल इंटरेस्ट। अगर वो हमसे पीनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, दैट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। नीचे एक और, अच्छा मैंने आपको एक और चीज बताई, सर हाउस के लिए जरूरी है क्या हाउसिंग लोन हो? नहीं, अगर आपने पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कोई भी लोन अगर आपने बेटा घर में यूज कर लिया तो आपको सभी का डिडक्शन मिलेगा। मतलब सरकार यहाँ पर दिल खोल के आपको बेनिफिट दे रही है, बोल रही है जरूरी नहीं बैंक से लो, मिस्टर मास से भी ले सकते हो, फैमिली से भी ले सकते हो, फ्रेंड से भी ले सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? जरूरी नहीं कि पे कराओ, ड्यू बेसिस पर भी ले सकते हो। चलिए आगे अपन इसमें अगर बढ़ेंगे, लिमिट ऑफ इंटरेस्ट, बेटा ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग इस कंसेप्ट पे फोकस करेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी एलओपी या डीएलओपी है तो अनलिमिटेड इंटरेस्ट आपको अलाउड है। आपको पता है फॉर्मेट में वो एनएवी में से 2 डिडक्शन आपको अलाउड होते थे, फर्स्ट इज 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन। अगर आपकी प्रॉपर्टी एलओपी या डीएलओपी है तो बेटा जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 1,000 करोड़ हो, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। सर अगर प्रॉपर्टी एलओपी नहीं हुई, डीएलओपी नहीं हुई, तो बेटा वो आपकी 2 प्रॉपर्टी एसओपी होती है, आपको पता है। उसके केस में क्या करना है ये देखिएगा बस, उसके केस में बेटा एक सेकंड समझ लीजिएगा, थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, समझ लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे भी पता है, लेकिन एक बार मेरे साथ देख लीजिएगा। एसओपी 2 हाउस तक हो सकती है, नॉर्मल केस में 30,000 रुपए का डिडक्शन अलाउड है।
मतलब सब मिला के मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट अलाउड है? 30,000। सर मैंने 1,00,000 पे करा। बेटा अलाउड 30,000 है अगर आप नॉर्मल केस में फॉल करें। सर व्हाट इज नॉर्मल केस? नॉर्मल नहीं, मैं आपको बताऊंगा स्पेशल केस क्या। नॉर्मल केस में अगर आप स्पेशल में नहीं फॉल करें, आप किस में आ जाओगे? नॉर्मल में। और आपको मैक्सिमम कितना मिलने वाला है? 30,000। सर व्हाट इज स्पेशल केस? बेटा स्पेशल केस के अंदर इन्होंने बोला आपने लोन लिया था वो 1/4/1999 के बाद। ऑब्वियसली बात है अगर आप 2023-24 में क्वेश्चन पूछने वाले हो तो लोन आपका 1/4/1999 के बाद ही होगा। अच्छा सेकंड चीज, लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एक बारीक पॉइंट यहां पर लिखा है लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। यहां पर ये नहीं लिखा कि लोन इज टेकन फॉर रिपेयर। मतलब अगर आपने लोन रिपेयर के लिए लिया है तो आप नॉर्मल केस में फॉल कर जाओगे, क्योंकि स्पेशल केस में तो आपको स्पेसिफिक बता रहा है कि लोन इज टेकन फॉर या तो परचेज करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर यहां पर नहीं चलेगा। तीसरी चीज, loan is taken for construction, then construction should be completed within 5 years from the end of the year in which loan was taken. बच्चे ध्यान दीजिएगा, special point पर है क्या बोलता है? Normally, interest on house property में limit है 30,000 रुपए के interest की SOP के केस में। सर LOP DLOP में नहीं है? नहीं बेटा, LOP DLOP में unlimited allowed है। Limit सिर्फ कौन से वाले केस में आएगी? SOP के केस में, self occupied property के केस में, जहां पर बिना आपके हक का, आपका कोई हक था नहीं, सरकार आपको फ्री पॉकेट में बेनिफिट दे रही थी, तो सरकार ने बोला हम आपको साल भर में मैक्सिमम 30,000 रुपए का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे नॉर्मल केस में। लेकिन स्पेशल केस मतलब क्या? आपने लोन लिया हो 1 अप्रैल 1999 के बाद। याद रखना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट ये, आपने लोन कब लिया हो? 1 अप्रैल 1999 के बाद। आपने लोन किस लिए लिया हो? या तो परचेज करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एंड तीसरी चीज, आपने जो लोन लिया है ना, आपने जब लोन लिया है वहां से 5 साल के अंदर आपका घर कंप्लीट होना चाहिए। कहां से 5 साल? लोन लेने के बाद 5 साल के अंदर घर कंप्लीट होना चाहिए। सर 5 साल कैसे कंसीडर करेंगे? बेटा जिस साल लोन लिया है उस साल के एंड से 5 साल। मतलब सर 5.5 साल हो जाएगा? यस, हो सकता है 4.25 साल हो जाए, हो सकता है 5 साल 360 दिन हो जाए। आप समझना मेरी बात, जिस साल आपने लोन लिया है उसके जस्ट एंड से 5 साल। सर ऐसा क्यों? बेटा इनकम टैक्स में ऐसा ही होता है, अगर ईयरली लिमिट होती है तो साल खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होती है। जनरली इनकम टैक्स में ऐसे ही होता है। तो यहां पर देखिए ना क्या बोला, इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन देन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। मतलब जिस साल में आपने लोन लिया उस साल के एंड से आपको कितने साल का टाइम मिलने वाला है? 5 साल का टाइम टू कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन। सर क्या ये पॉसिबल है? बेटा अगर आप लोन लोगे ना तो आपके पास होगा पैसा, और अगर आपके पास पैसा होगा तो आपको घर बनाने में 5 साल नहीं, आपको 2 साल लगेंगे, और वो भी ज्यादा से ज्यादा। अगर आपके पास पैसा है, बेटा आपको घर बनाने में टाइम जब लगता है जब आपके पास नहीं हो पैसा। अगर पैसा है तो आपको घर बनाने में टाइम नहीं लगेगा, 1 साल ज्यादा से ज्यादा 2 साल। इसलिए मैं आपको बता दूं ये स्पेशल केस है ना, ये स्पेशल केस इतना भी स्पेशल नहीं है। मैं आपको बता दूं बेटा बाय डिफॉल्ट स्पेशल। बाय डिफॉल्ट स्पेशल क्या? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो आप 30,000 पे मत जाना, आप किस पे जाना? 2,00,000। क्यों? क्योंकि बेटा आज की तारीख में प्रैक्टिकली सोचो लोन 1/4/1999 के बाद ही होगा। यस सर, लोन 99% केस में बेटा क्वेश्चन जो आएगा वो परचेज और कंस्ट्रक्शन का आने वाला है। तो लोन आपने किस लिए लिया होगा? परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। और आपका जो घर है ना, क्योंकि आपने लोन लिया बेटा वो 5 साल के अंदर कंप्लीट होने वाला है। तो लोन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वाज टेकन। इसलिए मैं आपको बता दूं यहां पर ये जो स्पेशल केस है ना, ये आपका बाय डिफॉल्ट केस है। बाय डिफॉल्ट मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया, ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको बिना आंखें बंद करे किसका तुक्का लगाना है? 2,00,000। और मैं तो आपको बता रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन भी हो तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आज तक 100 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा तो 99 बार आंसर होता है 2,00,000। तो अगर आपको कल को तुक्का लगाना पड़े तो आपको क्या आंसर करना पड़ेगा? 2,00,000 रुपए। समझ रहे हैं कि आप लोग मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आपकी प्रॉपर्टी एलओपी डीएलओपी है तो देर इज नो लिमिट, 1,00,000, 1 करोड़, 1,000 करोड़ सभी अलाउड है। अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी है तो एसओपी के केस में नॉर्मल केस 30,000 है। अब बच्चा पता है क्या सोचेगा कि नॉर्मल केस ही मिलता होगा यार? नहीं बेटा, यहां नॉर्मल केस स्पेशल है। नॉर्मल केस मिलने के चांसेस बहुत कम है, स्पेशल केस के मिलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि स्पेशल केस में बोला लोन आपने 1/4/1999 के बाद लिया, ऑब्वियसली बाद में लेंगे, कंस्ट्रक्शन आप 5 साल के अंदर ही करोगे फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वाज टेकन, एंड लोन आप किस लिए लेने वाले हो? परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बेटा मैं आपको बता दूं, एक बार मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा था जहां पर है ना ये सब कुछ गिवन होने के बाद 30,000 का डिडक्शन मिल रहा था, क्योंकि वहां पर लोन आपने लिया था फॉर रिपेयर। यहां पर रिपेयर कवर नहीं है, ये बारीकी है। तो अगर आपने लोन रिपेयर के लिए लिया है तो फिर तो आप नॉर्मल केस में फॉल करने वाले हो। आई होप आई एम क्लियर विद रिस्पेक्ट टू दिस। सर यहां पर कितना डिडक्शन मिलेगा? 2,00,000 या फिर 30,000। और मैं तो आपको बता रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर करिएगा चैट बॉक्स के अंदर। आप तो मुझे ये बताइए, अगर कुछ ज्यादा मेंशन नहीं है तो आप क्या उसको टिक करने वाले हो, या आपको ध्यान नहीं है कुछ तो आप क्या टिक करने वाले हो? 2,00,000 रुपए टिक आप करने वाले हो। मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, मेरे 2 घर हैं, हाउस 1
और ये है मेरा सेकंड हाउस। सर दोनों घर के दो दो लाख हैं या फिर सब मिला के मिस्टर मास को दो लाख है? बेटा ध्यान सुनना, मिस्टर मास की लिमिट है 2 लाख। मिस्टर मास कैन क्लेम मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ 2 लाख रुपए इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दोनों घर मिला के मिस्टर मास कितना क्लेम कर पाएंगे? 2 लाख रुपए। आई होप आई एम क्लियर। आप लोग मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? बेटा यहां पर आपके पास दो घर हैं, तो ऐसा नहीं कि 2 लाख एक घर की लिमिट है और 2 लाख दूसरे घर की लिमिट है। नहीं, मिस्टर मास की लिमिट है कि वो मैक्सिमम कितना डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे? 2 लाख रुपए। जो चीजें मैं आपको लॉजिकल बताऊंगा वो लॉजिकल चीजें आप बहुत अच्छे सुन लीजिएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वन ऑफ द मतलब एक उनमें से चीज ये थी कि इंटरेस्ट के बारे में आपको करना क्या है। और इंटरेस्ट का देखिए ना, ये लिखा है इफ एसेसी ऑन मोर देन 2 SOP। अच्छा, इफ एसेसी ऑन 2 SOP दोनों ऑल्सो मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन विल बी 30,000 या फिर 2 लाख, सब मिला के 2 लाख ये पर पर्सन है। चलिए सर, मेरा ऑलरेडी लिंक चल रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास हाउसिंग लोन। सर मैंने उस हाउसिंग लोन को खत्म करने के लिए केनरा बैंक से लोन दिया, क्या उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा? यस बेटा, क्योंकि पैसा आपने उसको भी किस कहां यूज करा है? हाउसिंग लोन को पे करने में। मतलब आपका पहले किसी दूसरी बैंक में लोन चल रहा था, आपने एक दूसरी बैंक से लोन लेके उस वाले लोन को क्लियर कर दिया, तो भी आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता रहेगा। सर इंटरेस्ट अगर इंडिया के बाहर पे किया गया, बेटा ध्यान सुनना, ये इंडिया के बाहर छोड़ो, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, इंटरेस्ट इंडिया के बाहर होता है ना, तो सेक्शन 195 में टीडीएस डिडक्ट होता है, वो सेक्शन जो आपने टीडीएस का पढ़ा ही नहीं है, आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए एप्लीकेबल होगा नहीं। बस यहाँ इतनी सी बात बोली है कि नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट जा रहा है तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, कंट्रोल के लिए है। चलिए इसके बाद एक सबसे टेक्निकल पॉइंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग है और सबसे टेक्निकल पॉइंट अलग है। टेक्निकल पॉइंट है बच्चे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। चलिए मैं आपके सामने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप लोग प्लीज बोर्ड पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से रखिएगा। इंटरेस्ट आपके पास बेटा दो टाइप के इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे हाउस प्रॉपर्टी में, फर्स्ट इज प्री पीरियड, सेकंड इज पोस्ट पीरियड। सर व्हाट इज प्री, व्हाट इज पोस्ट? बेटा देखते हैं अभी व्हाट इज प्री, व्हाट इज पोस्ट। तो इंटरेस्ट दो टाइप के होंगे, एक होगा प्री कंस्ट्रक्शन, दूसरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। एक सेकंड, पूरा नाम लिखूंगा तो शायद आप ज्यादा सोच पाओ। प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से पहले, कंस्ट्रक्शन के बाद। लेकिन लेमन में नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बारीकी है। एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं बच्चे, प्लीज फोकस करिएगा। एक टाइमलाइन आपके सामने बता रहा हूं 4-5 साल की। ये है बेटा आपका ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। एक काम करता हूं, यहां पर ऐसे लिख देता हूं, ईयर्स में लिख रहा हूं मैं आपके सामने। ये है बेटा 31 मार्च 2020, ये है 31 मार्च 2021, ये है 31 मार्च 2022, फिर है बेटा 31 मार्च 2023, और लास्ट में है 31 मार्च 2024। अब सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान देवे इस चीज को। मान लीजिए आपका घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है इस तारीख को, इस तारीख को आपका क्या हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। तो आपके घर का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, मैं आपको डेट भी लिख के दे देता हूं, 31 जुलाई 2022। मतलब कौन से वाले साल में हुआ है, 31 जुलाई 2022, मतलब सॉरी 31 जुलाई 2021। तो 31 जुलाई 2021 में आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। सभी बच्चे फोकस करेंगे अब, ये मैंने आपके सामने एक टाइमलाइन बनाई जहां पर 5 साल लिखे, कुछ ऐसा अभी बताया नहीं, अभी सिर्फ टाइमलाइन ड्रॉ ही करिए, 5 साल आपके पास लिखे, ऐसे कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। आपका घर कंप्लीट कब हुआ है, ऐसी कोई डेट गिवन होगी वहां पर, तो मैंने आपको वो डेट क्या बता दी है बेटा, 31 जुलाई 2021। अच्छा, अगर मैं आपको 31 जुलाई 2021 मार्क करने को दूंगा तो आप टाइमलाइन 21-22 ढूंढोगे और उसमें कहीं ना कहीं आ रही होगी 31 जुलाई 2021। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च, बताइए कौन सा है उससे पहले वाला 31 मार्च? सर उससे पहले वाला 31 मार्च है ये। इनकम टैक्स बोलता है जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च अपन को दिख रहा होगा, कौन सा वाला है, 31 मार्च 2021। इनकम टैक्स बोलता है यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट कहलाएगा प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है बेटा आपके सामने, बोल रहा है कि जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, वेरी वेरी बारीक पॉइंट, वेरी वेरी टेक्निकल पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। बच्चे को पता भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ है, प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से एब्सोल्यूट क्लैरिटी आपको होने वाली है। मैंने आपसे क्या बोला, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एक वैकेंसी वाला सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे क्या बोला, जिस टाइम पे आपका हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च
तक के इंटरेस्ट को आप बोलते हो प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं टाइमलाइन में मार्क करना चाहूं तो यहां से लेकर यहां तक के इंटरेस्ट को आप क्या बोलते हो? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और सर इसके बाद वाला, बेटा इसके बाद वाला पोस्ट, अरे जो प्री ना हो वो क्या ही होगा यार, पोस्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको क्या याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। तो उसकी डेफिनेशन, उसको डिफाइन कैसे किया कि जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाले 31 मार्च 2021 तक के इंटरेस्ट को बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। सर इस वाले केस में, बेटा इस वाले केस में अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 जुलाई 2021 को, तो इससे पहले कौन सा प्रीवियस ईयर आया होगा? 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 से पहले तक के जितने भी इंटरेस्ट होंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वो आपका क्या होने वाला है? प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। चलिए सर होने क्या वाला है, बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट पहले साल का, बेटा प्लीज फोकस करिएगा विद फिगर्स, फिगर्स के साथ अपन बात करेंगे। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट यहां पर है 10,000, आपका इंटरेस्ट यहां पर कितना है 10,000 और यहां पर कितना है 20,000, तो मुझे बताइए ना टोटल प्री इंटरेस्ट कितना? सर टोटल प्री इंटरेस्ट है 30,000। सरकार बोलती है हम आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन देंगे, प्री इंटरेस्ट का हम आपको डिडक्शन देंगे, लेकिन मैक्सिमम पता है आपको हम देंगे? बेटा डिडक्शन तो देंगे, डिडक्शन में कोई बनाई नहीं है, लेकिन हम आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। हम आपको प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट का डिडक्शन देंगे, डिडक्शन पे रोक नहीं लगाएंगे। सर हमारा हक नहीं था उस पे। हाँ बेटा आपका हक नहीं था, तो भी सरकार आपको प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट दे रही। हक क्यों नहीं था? आप खड़े हो इस साल में, हक क्यों नहीं था बेटा? आप खड़े हो इस वाले साल में। कौन से वाले साल में? इस साल में सर, करंट ईयर में। करंट ईयर के इंटरेस्ट की और करंट ईयर की इनकम की और करंट ईयर के एक्सपेंस की बात होनी चाहिए, पिछले सालों की नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्योंकि पहले आपके पास घर नहीं था, लेकिन आपने इंटरेस्ट तो पे किया है ना, तो वो जो इंटरेस्ट आपने पहले सालों में पे किया है कंस्ट्रक्शन से जस्ट पहले वाले 31 मार्च 2021, कंस्ट्रक्शन से जस्ट पहले वाले 31 मार्च 2021 तक जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, उसको आप क्या बोलने वाले हो? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। इसका करने क्या बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, आई होप सब कुछ फाइन होगा ऑनलाइन, तो आप लोग प्लीज फोकस करिएगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आपका है कितना? 30,000 रुपए। ये जो 30,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट है ना, इसका सरकार आपको डिडक्शन देने वाली है, और मैं आपको बता दूं डिडक्शन कितना देने वाली है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो आप मुझे बताइए 30,000 को 5 में अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना अमाउंट आएगा आपके पास? 6,000 रुपए का बेटा करंट ईयर में मिलेगा। करंट मतलब इधर वाले में, जिस साल में आप, मान लो बेटा अपन 31, मान लीजिए अपन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट फॉर 21-22, इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं 21-22, तो 21-22 में आपको पिछले साल का कोई लेना देना था नहीं, लेकिन फिर भी आपको 21-22 में प्री एक्विजिशन नाम से कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है? 6,000 रुपए। सर बाकी बचा हुआ 24,000 का क्या? बेटा अगले साल 6,000, उसके अगले साल 6,000, उसके अगले साल 6,000, टोटल इसे 5 साल में आपको 6,000 रुपए का क्या मिलेगा? प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। सर व्हाट विल बी प्री पोस्ट का क्या करेंगे? बेटा पोस्ट तो नॉर्मल है, मान लो पोस्ट का इंटरेस्ट है आपके पास 15,000, तो पोस्ट का इंटरेस्ट आपके पास 15,000 है, तो ये जो पोस्ट का इंटरेस्ट है इसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। मतलब सर हमें टोटल कितना मिलेगा? बेटा टोटल आपको मिलेगा प्री प्लस पोस्ट, और प्री में आपको 1/5 करके मिलेगा, मतलब 6,000, और पोस्ट का पूरा 15,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब आपका टोटल डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के फॉर्म में कितना आने वाला है? 21,000। समझ रहे हैं कि आप मेरी बात? एक बार वापस से ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट दो टाइप का, प्री पोस्ट। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने से जस्ट पहले वाले 31 मार्च को आप क्या बोलते हो? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तक के इंटरेस्ट को आप क्या बोलते हो? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। मैं आपके सामने बेटा प्री, आपको पता है इस टाइमलाइन में प्री आपका येलो कलर से हाईलाइटेड है, प्री वाली टाइमलाइन। मैं आपके सामने पोस्ट वाली टाइमलाइन पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये सर करना क्या है? बेटा ये जो येलो वाली टाइमलाइन है ना, मतलब प्री वाला जो इंटरेस्ट है, इसकी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट टोटल एड करना है पिछले सभी सालों का, उसको कितने इंस्टॉलमेंट में बांटना है? 5। और पहला इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा? बेटा पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा इस साल, अगला मिलेगा इस साल, अगला मिलेगा इस साल, और 2 और इंस्टॉलमेंट आपको मिलेंगी प्री की। और सर पोस्ट का क्या? बेटा पोस्ट का जितना भी होगा उतना पूरे को आप करंट ईयर में ले लोगे, क्योंकि पोस्ट का तो आप आज तक भी करंट ईयर में, पोस्ट मतलब जो आप नॉर्मली आज तक लेते आए हो, उसका तो आपको क्या ही करना है बेटा? नॉर्मल ट्रीटमेंट, वो पूरा ले लोगे। खास बात क्या? पोस्ट पूरा ले लोगे, प्री 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट करके लोगे।
अब बेटा ध्यान सुनना मेरा आपसे क्वेश्चन, मान लीजिए सब कुछ मिला के 210,000 हो गया, अज्यूम करवा रहा हूँ आपको, सर क्या 210,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा और ये प्रॉपर्टी एसओपी है, ये एसओपी प्रॉपर्टी है। बच्चे प्लीज फोकस करिएगा बारीक पॉइंट अगेन, मैक्सिमम डिडक्शन कैन बी 2,00,000 रुपए, एसओपी है तो मैक्सिमम कितना ही होगा 2,00,000, सर एलओपी होती मिल जाता जितना भी होता, लेकिन बेटा अगर ये एसओपी है तो आपको मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा 2,00,000 रुपए या फिर 30,000। सर आपने तो बताया नहीं 30,000 से रिलेटेड कुछ, तो ये तो बताया था ना कि कुछ नहीं पता हो तो कितना लेना है 2,00,000। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए ये हो गया आपका प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट का, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर दिया है, बहुत शानदार लेवल वाला क्वेश्चन है, अगर आप घर पे इसको प्रैक्टिस करना चाहे तो, इंटरेस्ट से रिलेटेड एक शानदार क्वेश्चन है प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट के बाद। चलिए नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स, मैं फर्दर मूव कर रहा हूं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, सिंपल टॉपिक के लिए। चलिए अनरियलाइज्ड रेंट। अच्छा अनरियलाइज्ड रेंट में आपको बातों ही बातों में पहले ही बता चुका था, कनेक्ट करवा दे रहा हूं टॉपिक को। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब क्या? बैड डेट टाइप। अगर आपका डेटर पैसे देने से मना करता था तो आप उसको क्या बोलते थे? बैड डेट। अगर आपका टेनेंट पैसे देने से मना करेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? अनरियलाइज्ड रेंट। सर ये तो सेम बैड डेट है। हाँ बेटा सेम बैड डेट है, वो भी तो अनरियलाइज्ड इनकम होती है, ये भी अनरियलाइज्ड इनकम है, वो अनरियलाइज्ड बिजनेस इनकम होती है, ये अनरियलाइज्ड हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, दोनों क्या है बेटा? दोनों क्या सर, हम इसको बैड डेट बोल सकते हैं? यस बेटा बोल सकते हो। तो देखिए ना क्या लिखा है, एक सेकेंड, अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में मैंने आपको सिखाया क्या था? एक काम करेंगे, प्लीज मेरे साथ फोकस करेंगे एक्चुअल रेंट के फॉर्मूले पे। एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला तीन चीजों की बात करता था, फर्स्ट इज रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, लेकिन माइनस अनरियलाइज्ड रेंट हर किसी को करना अलाउ नहीं करता था, जब ही करता था जब आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, और वो कंडीशन कहां लिखी है देखिए ना क्या लिखा है, अनरियलाइज्ड रेंट इट मींस रेंट विच इज नॉट रिकवर्ड बाय ओनर फ्रॉम टेनेंट, वो रेंट जो आपको नहीं मिलेगा डूब रहा है उसको आप क्या बोलते हो? अनरियलाइज्ड रेंट। इसका करना क्या है? इट इज डिडक्टेबल व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेंट इफ फॉलोइंग फोर कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर नीचे दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने को मिलेगा, जैसे आपने एक्चुअल रेंट के फॉर्मूले में देखा। मतलब सर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो बेटा हटा देना आप इसको फॉर्मूले से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अनरियलाइज्ड रेंट एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला, रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, जब भी करोगे जब नीचे दी हुई चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, बिल्कुल लॉजिकल कंडीशन है। लॉजिकल कंडीशन में पहली कंडीशन बताए क्या है? टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरी प्रॉपर्टी पे किराए पे रह रहे हो, यहां पर आप मुझे फीस पे कर रहे हो, अपन दोनों रोज साथ खा रहे हैं साथ पानी पी रहे हैं और किराए देने पे आप मना कर रहे हो। आप समझना बेटा, सरकार आपकी दोस्ती के चक्कर में सरकार अपना नुकसान नहीं करवाएगी। तो सरकार क्या बोल रही है? टेनेंसी कैसी होना चाहिए? बोनाफाइड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है दोस्ती यारी में आप किराया नहीं ले रहे हो और हमसे क्या हमसे बोल रहे हो कि आपको किराया नहीं मिल रहा है। तो टेनेंसी कैसी होना चाहिए? बोनाफाइड। अच्छा टेनेंट शुड हैव वैकेटेड हाउस प्रॉपर्टी, टेनेंट को वो घर खाली कर देना है। और सर टेनेंट अगर अदर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कराए तो बेटा वो भी खाली करवा देना है। मतलब अगर मान लीजिए ये वाली प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी को खाली करवाना है, यस। अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी मान लो सामने वाली भी आप लेके बैठे हो तो उसको भी क्या करवाना है? खाली। और भैया रीजनेबल स्टेप फॉर रिकवरी हैज बीन टेकन, यहां पर लिखा है रीजनेबल स्टेप। ऑब्वियसली आप किसी वकील वगैरह के पास जाओगे और उससे बोलोगे कि यार ये मेरा पैसा नहीं दे रहा, इसको एक लीगल नोटिस भेजो ताकि ये डर के मारे मुझे पैसा दे। चलिए अनरियलाइज्ड रेंट आप जब भी माइनस करोगे, सर अनरियलाइज्ड रेंट इंपॉर्टेंट है क्या? यस बेटा अनरियलाइज्ड रेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कब करना है? आई होप सब कुछ ओके ही होगा। अनरियलाइज रेंट माइनस कब करना है बेटा? अनरियलाइज रेंट माइनस जब करना है जब टेनेंसी बोनाफाइड हो, आपने प्रॉपर्टी खाली करवा ली हो, आपने सभी प्रॉपर्टी खाली करवा ली और आपने कोई रीजनेबल स्टेप्स भी लिए हो रेंट की रिकवरी के लिए। सर अगर नहीं करा ये सब नहीं करा तो अनरियलाइज रेंट भी माइनस मत करना। अगर ये सब करो तो आपको क्या करने को माइनस करने को देंगे? अनरियलाइज रेंट। सर ये तो हुई माइनस करने से रिलेटेड, कल को बेटा आपका डूबा हुआ पैसा मिल भी सकता है। अच्छा अनरियलाइज रेंट के अलावा एक और चीज होती है अरियर ऑफ रेंट। सर व्हाट इज अरियर ऑफ रेंट? बेटा अरियर मतलब होता है अरियर पिक्चर में आता है डिस्प्यूट की वजह से। मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी का किराया 10,000 है लेकिन टेनेंट बोल रहा है 8,000 है, तो मैं बोल रहा हूँ 10,000, वो बोल रहा है 8,000, मतलब पक्के में डिस्प्यूट है। और डिस्प्यूट की वजह से क्या पिक्चर में आने वाला है? अरियर ऑफ रेंट। तो सर अरियर ऑफ रेंट ये हो गया। अनरियलाइज रेंट हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, इनका करना क्या है? बच्चा अब ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आपको कभी अनरियलाइज रेंट और अरियर ऑफ रेंट की रिकवरी हो जाए, रिकवरी मतलब मिल जाए, अरे डूबा हुआ पैसा या डिस्प्यूटेड पैसा मिल जाए, उसकी बात कर रहे हैं हम, डूबा हुआ पैसा मिल जाए या फिर डिस्प्यूटेड पैसा मिल जाए, तो अगर आपको अनरियलाइज्ड रेंट या अरियर ऑफ रेंट मिल जाता है तो भैया आपको वो टैक्सेबल होने वाला है। और टैक्सेबल कैसे होने वाला है बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर।
रिकवरी माइनस डिस अलाउड अर्लियर और जो भी ये आने वाला है इसका 70%। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, पीजीबीपी के अंदर भी ऐसा कुछ फॉर्मूला था, वहां पर 70% बस नहीं था, फॉर्मूला था रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर सेक्शन नंबर 41 के अंदर, जहां पर बात हो रही थी रिकवरी ऑफ बैड डेट। आज भी बेटा बैड डेट की ही रिकवरी हो रही है, जिसको अपन ने नाम क्या दिया है अनरियलाइज्ड रेंट। फॉर्मूला सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस है, 70% यहां पर है वहां नहीं है। सर ऐसा क्यों? बेटा यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30%, इसलिए सरकार ने बोला जो भी आपको रिकवरी हो जाए हम उसमें से आपको एक बेनिफिट देंगे। कौन सा बेनिफिट देंगे? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब जितना भी होगा उसका 70% आपको क्या होने वाला है, टैक्सेबल। आई होप ये क्लियर होगा आपको। और बेटा पीजीबीपी के अंदर ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं था, तो वहां पर आपको रिकवरी माइनस डिसअलाउड करके टैक्सेबल हो जाएगा, और यहां पर रिकवरी माइनस डिसअलाउड करके 70% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। चलिए तो फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सही में इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आपके लिए। अरियर ऑफ रेंट होता है रेंट अंडर डिस्प्यूट, ठीक है। रिकवरी इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिकवर्ड, यही तो हम पढ़ रहे हैं। अनरियलाइज्ड रेंट हो चाहे अरियर ऑफ रेंट हो, ट्रीटमेंट सेम है, अगर रिकवरी होगी ना तो टैक्सेबल होगा। और किस अकॉर्डिंग, किस साल टैक्सेबल होगा, जिस साल रिकवरी होगी। और फॉर्मूला क्या है टैक्सेबल करने का, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर और जो भी वो होगा उसका 70%। एक दो एग्जांपल नीचे गिवन है, वो एग्जांपल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एग्जांपल मैं आपको सिर्फ करवा रहा हूं, बाकी एग्जांपल आप घर जाके जरूर से एक बार चेक करिएगा। अनरियलाइज्ड रेंट है कितना बेटा, आपका पैसा डूबा है 60,000, और किस साल डूबा है, प्रीवियस ईयर 2010-11। अच्छा अलाउड बाय एओ, 60,000 तो आपका डूब रहा था, इसमें से एओ ने कितना अलाउ करा बेटा, आप एओ के पास गए होगे अनरियलाइज रेंट को माइनस करवाने। आपको पता है ना वो फॉर्मूला, एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट रिसीव प्लस रिसीवल माइनस अनरियलाइज रेंट। आप एओ के पास कितना माइनस करवाने गए थे, 60,000, लेकिन एओ निकला निकम्मा, उसने बोला मात्र कितना अलाउ करूंगा, 35,000। 35,000 रुपए उसने अलाउ करे, मतलब कितने अलाउ नहीं करे, 25,000 रुपए उसने अलाउ नहीं करे 60 में से। अच्छा आगे जाके 19-20 में रिकवरी हो गई 52,000 रुपीज। आपको पता है रिकवरी 19-20 में हुई है, तो 19-20 में आपको कुछ ना कुछ टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सर क्या टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल करने के लिए वो फॉर्मूला याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस चीज को लॉजिकली भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है लॉजिक का, ठीक है। इस चीज का लॉजिक है और बहुत अच्छा खासा लॉजिक है, तो यहां पर बेटा आप फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉजिक इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, यहाँ पर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो हेड में दोनों जगह इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए तो फॉर्मूला क्या है, रिकवरी माइनस डिसअलाउड, तो रिकवरी में फिगर आ जाएगा 52,000 माइनस डिसअलाउड अर्लियर। बेटा 35,000 अलाउ किया था, मतलब कितना डिसअलाउ किया था, 25,000, तो 52,000 माइनस क्या करोगे, 25,000, क्या फिगर आएगा आपके पास, आई थिंक 27,000 का फिगर आएगा बेटा। 27,000 भी टैक्सेबल नहीं होगा, अगर पीजीबीपी होता तो पूरा 27,000 टैक्सेबल होता बेटा। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 27,000 का भी 70% करना पड़ेगा, और बचाओ 27,000 का 70% करोगे तो शायद 18,900 आएगा, जो कि आपको क्या होने वाला है, टैक्सेबल। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आपको आगे के तीनों चारों एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल अच्छे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, आपको देखना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोला कि एग्जाम में आपको देख के जाना है आखिरी दिन, ऐसा नहीं, अभी जाके आपको, आज आपने हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करा तो आपको ये पॉइंट्स एग्जाम्पल ये सॉल्व करना चाहिए दोनों तीनों। चलिए अदर एक्सपेंस, सर अदर एक्सपेंस जैसे रिपेयर मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, लिफ्ट चार्जेस, फलाना ढिकाना, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। बेटा इन सभी नाम के ऐसे कोई भी खर्चे का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने इन सब की जगह पे आपको एक फ्लैट डिडक्शन दिया था, और वो दिया था 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और किस चीज का वो 30% था, नेट एनुअल वैल्यू का। तो आपको कोई भी अदर एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे, ये आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है। हाउस प्रॉपर्टी का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जीएबी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड इज इक्वल टू एनएबी माइनस इंटरेस्ट और माइनस 30% एनएबी, 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपका क्या जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा इन तीन चीजों के अलावा कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, तीन चीज कौन कौन सी, म्युनिसिपल टैक्स पेड, इंटरेस्ट और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर रिपेयर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर इंश्योरेंस कराया, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा बेटा, मिलेगा वही जो मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर दिखाया था, म्युनिसिपल टैक्स पेड, इंटरेस्ट और तीसरा स्टैंडर्ड परसेंट, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी। बेटा कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी को अपन अलग से कवर करेंगे, कट नहीं करना, अलग से कवर करेंगे, इसलिए कट कर रहा हूं, मतलब आगे जाके लास्ट में, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, इंस्टीट्यूट का फेवरेट। अगर इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछेगी हाउस प्रॉपर्टी में, आप देखेंगे बहुत सारी आरटीपी एमटीपी के अंदर तो वैकेंसी वहां पर टेस्ट किया जाता है बार बार। चलिए अब बेटा बहुत ही लॉजिकल सी कुछ बातें करेंगे, जो कि देखना आप लोग मुझे एक बार सुनोगे और एक ही बार में आप मुझे आंसर करते चलोगे। कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज, सर इसका मतलब क्या बेटा, इस बस कंसेप्ट समझ लेना आप, कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। एक प्रॉपर्टी आपके सामने बना रहा हूं, ये है आपके सामने एक प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है इसका 60% एरिया, 60% एरिया आपने किराए पे दिया है, लेट आउट है, और 40% एरिया मान लीजिए एसओपी है। सर ऐसा हो सकता है क्या,
बेटा मान लीजिए इस प्रॉपर्टी में ये जो ओनर है ना, इस प्रॉपर्टी में रहता है 40% हिस्से में और 60% एरिया को किराए पे देके रखा है, इस केस में क्या करेंगे? अब बेटा प्लीज फोकस करिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीजें और सिंपल इतनी लॉजिकल चीजें हैं कि कुछ भी इससे ज्यादा लॉजिकल नहीं होगा। बेटा आपको जीएबी कैलकुलेट करना होता है, जीएबी, और जीएबी के अंदर दो चीजें आती हैं। अगर आप मुझे बताओगे जीएबी के अंदर दो चीजें आती हैं तो फर्स्ट इज एक्चुअल रेंट एंड सेकंड इज एक्सपेक्टेड रेंट। एक एक्चुअल रेंट आता है और क्या आता है? एक्सपेक्टेड रेंट। मेरा आपसे क्वेश्चन है, नालायक बनने का आंसर मत करना। एक्सपेक्टेड रेंट सरकार के आपके एरिया कैलकुलेट करने बैठी है, वो तो आके आपको बता देगी कि पूरे घर का म्युनिसिपल रेंट कितना, पूरे घर का फेयर रेंट कितना और पूरे घर का स्टैंडर्ड रेंट कितना। बेटा सरकार आपको पता है एक्सपेक्टेड रेंट बता देगी 100% ऑफ द हाउस का, पूरे घर का एक्सपेक्ट। सरकार थोड़ी बोलेगी कि 40% का इतना, 60% का इतना, नहीं, वो तो आपको बताएगी कि म्युनिसिपल टैक्स इज म्युनिसिपल वैल्यू इस घर का इतना, फेयर रेंट इस घर का इतना, स्टैंडर्ड रेंट इस घर का इतना। तो भैया मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है आपका 1,00,000 रुपए, आप मुझे बताओ पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए यहां डाल दोगे या दोनों में 60-40 करना पड़ेगा आपको? सर 1,00,000 का 60% कहां पर जाएगा लेट आउट में और 40% कहां पर जाएगा एसओपी में? सर एसओपी में क्या होगा बेटा? एसओपी में टैक्सेबल नहीं होगा तो उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 1,00,000 में से 40% किससे रिलेटेड है? एसओपी से रिलेटेड, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मात्र कितना है? 60,000 रुपए, यस और नो? इसके बाद बेटा बात करेंगे, एक एक चीजें आपके सामने लिखूंगा और आपसे पूछूंगा इसका करोगे क्या आप। इसके बाद लिख रहा हूं बेटा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मान लीजिए 50,000 रुपए पर मंथ है। सर एक्चुअल रेंट तो मिलेगा ही उतने पोर्शन का जो पोर्शन आपने किराए पे दिया होगा, मतलब एक्चुअल रेंट को 60% मत करना। अगर आपने एक्चुअल रेंट को 60% कर दिया ना, एग्जामिनर आपके आगे के आंसर भी पूरे कट कर देगा, बोलेगा इनको गधों को ये नहीं पता कि एक्चुअल रेंट कितने पोर्शन का है, 60% ऑफ द पोर्शन का। अरे एक्चुअल रेंट किराया किसी प्रॉपर्टी का मिलेगा, जो प्रॉपर्टी आपने किराए पे दी है, आपने किराए पे कितने दिए 60%, तो एक्चुअल रेंट है भी किस प्रॉपर्टी का 60%? एक बच्चा जल्दबाजी में पता है एक्सपेक्टेड रेंट को तो बांट देगा, बांटना भी चाहिए था वो जल्द, क्योंकि एक्सपेक्टेड को बांटा होगा तो बहुत तेज उसका कैलकुलेटर चल रहा होगा उस टाइम पे, और वो पता है किसको बांट देगा? एक्चुअल रेंट को नहीं बांटना, बेवकूफी हो जाएगी, मत बांटना, शायद फेल ही कर दे वो अगर आपने ये बांट के आ गए तो। चलो एक्चुअल रेंट 50,000 रुपए को नहीं बांटोगे आप, एक्सपेक्टेड को बांटोगे। अच्छा एक्सपेक्टेड को बांटना है ना, यस और नो? यस। सर एक्सपेक्टेड को बांटने के भी दो तरीके हैं, आप म्युनिसिपल रेंट को अलग बांट दो, फेयर रेंट को अलग बांट दो, स्टैंडर्ड रेंट को अलग बांट दो, या फिर आप एक बार 100% कैलकुलेट कर लो एक्सपेक्टेड रेंट और उसको बांट दो, आपकी जो मर्जी आप कर सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? आपकी जो मर्जी आप कर सकते हो, चाहे तो आप एक एक करके बांट दो, चाहे तो आप पहले एक बार 100% ऑफ दी एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर लो। मतलब आप पता है क्या करोगे, आप म्युनिसिपल रेंट लोगे, फेयर रेंट लोगे और इन दोनों में से ले लोगे व्हिचएवर इज हायर 100%। फिर आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड रेंट भी ले लोगे और जो भी लोअर वगैरह करते ना अपन वो कर लोगे, तो आपका एक फिगर आएगा एक्सपेक्टेड रेंट का 100% ऑफ द एक्सपेक्टेड रेंट। आप डायरेक्टली इसको 60% 40% में बांट दीजिएगा। इसके बाद बेटा म्युनिसिपल टैक्स, क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है 40,000 रुपए। आप मुझे एक चीज बताओ, 40,000 रुपए आपने पूरे घर का पे किया है? यस। बेटा जनरली आप पूरे घर का पे करोगे तो इसको आपको बांटना पड़ेगा, 60% का आपको डिडक्शन मिलेगा, 40% एसओपी से रिलेटेड है, उसका कोई भी डिडक्शन कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सर एनएबी आ जाएगा? हाँ बेटा, आपने जीएबी डाला उसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? एनएबी। इसके बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। बेटा एसओपी के केस में कोई एसओपी के केस में एक ही तो चीज आती है, बस इंटरेस्ट। तो बात तो अपन सिर्फ एक ही पोर्शन की कर रहे हैं, लेट आउट पोर्शन की, बस चीजों को सही चीजों को अपन लेट आउट पोर्शन के कैलकुलेशन में लेके आना है अपन को, मतलब 60%। चलिए म्युनिसिपल टैक्स कितना लोगे? 60%। मान लीजिए इस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आपने पे किया है 2,00,000 रुपए या 1,00,000 रुपए। सर इंटरेस्ट भी पूरा 1,00,000 तो पूरे घर का है, इस पोर्शन का कितना होगा? 60%। तो हम यहां पर जब बेनिफिट लेंगे तो कितना लेंगे? 60,000। सर इंटरेस्ट का डिडक्शन तो यहां भी मिलेगा? यस बेटा, इंटरेस्ट का डिडक्शन तो यहां भी मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट का डिडक्शन दोनों जगह मिलेगा। बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, एक बारीक पॉइंट आपके सामने बताता हूं और आप समझने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो आज। 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट है, 60% यहां ले लिया 60,000, 40% कहां ले लोगे? इधर। सर इधर बेनिफिट मिलेगा? बेटा इधर अनलिमिटेड मिलता है। सर इधर मिलेगा क्या? हाँ बेटा, इधर भी 2,00,000 तक मिलता है। अरे यस और नो? मान लीजिए बेटा मैं आपके सामने एक फिगर दे रहा हूं, आपने जो इंटरेस्ट पे करा वो 1,00,000 नहीं, आपने इंटरेस्ट पे करा है 50,00,000 रुपए। 50,00,000 रुपए आपने इंटरेस्ट पे करा। अच्छा 50,00,000 का 60% मतलब 30,00,000 रुपए, 30,00,000 का डिडक्शन यहां मिलेगा क्या? यस बेटा, लेट आउट में अनलिमिटेड अलाउड है। अच्छा 50,00,000 का 20% मतलब इधर कितना आना चाहिए था? 20,00,000 मिलेगा क्या? नहीं सर, एसओपी में मैक्सिमम कितना अलाउड है? 2,00,000 रुपए। तो आप मुझे बताइए टोटल मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस कितना मिलेगा? 32,00,000 रुपए। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? चलिए ये तो ये मैं आपको क्या बता रहा था बेटा, मैं आपको बता रहा था कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंसेप्ट है, लॉजिकल कंसेप्ट है, और हाउस प्रॉपर्टी में आप इलॉजिकल कोई चीज, इलॉजिकल वैसे भी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी पूरा लॉजिक पे चलता है।
कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट एरिया वाइज। एरिया वाइज का मतलब क्या है, आपने कुछ पोर्शन को लेट आउट करा है, कुछ पोर्शन को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, तो उसके इसमें आप रिस्पेक्टिव पोर्शन पे रिस्पेक्टिव परसेंटेज अप्लाई करोगे। और सर एसओपी के केस में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, हाँ बेटा नहीं मिलता तो सब इग्नोर कर देना, लेकिन इंटरेस्ट मिलता है तो उसको कंसीडर कर लेना। आप पता है क्या करोगे, आप एसओपी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप भूल सकते हो। आप एलओपी सब कुछ सही कर लोगे, आप एक्सपेक्टेड 60% ही लोगे, आप एक्चुअल भी ले लोगे और सब कुछ कर लोगे, लेकिन पता है आप पता है क्या भूल जाओगे जल्दबाजी में, एसओपी के केस में भी आपको इंटरेस्ट तो अलाउड है, बाकी कुछ अलाउड नहीं है लेकिन इंटरेस्ट अलाउड है। चलिए इसके बाद एक और कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम बेसिस। बेटा ध्यान सुनना, इस कंसेप्ट और इस कंसेप्ट में फर्क क्या है, एक है एरिया बेसिस। एरिया बेसिस मतलब इस प्रॉपर्टी का 60% एरिया किराए पर है और 40% एरिया किराए पर नहीं है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। और ये कौन सी बात हो रही है यहां पर, टाइम बेसिस। सभी बच्चे ध्यान देवे, टाइम बेसिस का मतलब है आपकी प्रॉपर्टी 2 महीने एसओपी थी, 10 महीने लेट आउट प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी कुछ टाइम तक एसओपी और कुछ टाइम तक एलओपी। टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर क्या था, एरिया के अकॉर्डिंग कुछ पोर्शन लेट आउट कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहां क्या है टाइम के अकॉर्डिंग कुछ पीरियड लेट आउट कुछ पीरियड सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब बेटा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में सरकार ने आपके साथ चालाकी करी और सरकार बोलती है अगर आपकी प्रॉपर्टी एक दिन भी, इवन इट इज लेट आउट फॉर अ सिंगल डे, अगर आपकी प्रॉपर्टी एक दिन भी लेट आउट थी, ध्यान से सुनिएगा, सरकार बोलती है हम उसको साल भर क्या मानेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी। सर इससे होगा क्या, बेटा इससे ये होगा कि जब आप जीएवी कैलकुलेट करोगे तो आप दो चीज लेते हो, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। सर एक्चुअल रेंट तो एक दिन, प्रॉपर्टी आपने एक दिन किराए पे दिए तो एक्चुअल रेंट तो एक दिन का ही आएगा, क्योंकि किराएदार पागल थोड़ी है, उसने अगर एक दिन के लिए ली थी तो वो एक दिन का ही किराया देगा। सर लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट, बेटा सरकार की चालाकी है, सरकार बोल रही है अगर आपने एक दिन भी किराए पे दी तो हम साल भर किराए पे दी हुई मानेंगे, और सरकार इसके थ्रू आपसे 100% ऑफ द एक्सपेक्टेड रेंट जो 12 महीने का था वो पूरा कंसीडर करवा लेगी। तो आप मुझे बताओ, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रेंट क्या, मान लो 2 लाख रुपए है, तो बेटा कौन ज्यादा आने वाला है यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट। आपका हक नहीं बनता था, सरकार आपसे बेहक टैक्स मांग रही है, सरकार का कोई हक इस टैक्स पे नहीं था, क्योंकि बेटा ये प्रॉपर्टी लेट आउट ही कितने दिन थी, एक दिन, और इसको सिर्फ किराया कितना मिला, 1 रुपए। अरे 1 रुपए पे 1 रुपए टैक्स ले लेते। लेकिन सरकार पता है क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी को साल भर क्या मान लेगी, लेट आउट प्रॉपर्टी, और साल भर लेट आउट मानने की वजह से एक्सपेक्टेड रेंट साल भर का कंसिडर करेगी। जब वो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल कंपेयर करेंगे तो एक्चुअल तो एक दिन का आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड को वो कितना लेने वाले हैं, साल भर। और ऑब्वियसली बात है जब वो एक दिन को एक साल के फिगर से कंपेयर करेंगे तो कौन जीतने वाला है, साल भर वाला फिगर मतलब एक्सपेक्टेड रेंट, और किसका नुकसान होने वाला है, एसएससी का। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। बच्चे को नहीं पता होता है कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम बेसिस। एक दिन के लिए भी किराए पर दिए तो साल भर क्या मानी जाएगी, किराए पर नुकसान क्या होगा, बता दिया आपको एक्सपेक्टेड रेंट आपको साल भर का लेना पड़ेगा। सर कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज, बेटा वो आपको ऑलरेडी लॉजिकली क्लियर होगा कि वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको चीजों को बांटना पड़ेगा, और जो चीजें एलओपी में आती है वो आप एलओपी में ले जाओगे, एसओपी में एक ही चीज आती है इंटरेस्ट, तो आप एसओपी में सिर्फ क्या लेके जाओगे, इंटरेस्ट। चलिए इसके बाद एक और ऐसा कंसेप्ट जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता चुका हूं, असेसी ऑन मोर देन 2 एसओपी। अगर आपके पास 5 एसओपी है तो कोई भी 2 एसओपी को, मेरी मर्जी, सर किसकी मर्जी चलेगी 2 एसओपी में, बेटा असेसी की मर्जी है, असेसी के पास ऑप्शन है, कोई भी 2 प्रॉपर्टी को वो क्या डिक्लेयर करेगा एसओपी, और बाकी बची हुई सभी प्रॉपर्टी को वो क्या डिक्लेयर करेगा, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। सर इससे होगा क्या, बेटा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब वाकफे से सरकार ने, सरकार का हक नहीं था लेकिन सरकार ने आप पे टैक्स लगा दिया उस प्रॉपर्टी पे जो आपने किराए पे नहीं दी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। सर किराए पे नहीं दी तो भी टैक्स लगा दिया क्या, यस। अगर किराए पे दी होती तो फिर वो कहां आती, लेट आउट प्रॉपर्टी, वो एसओपी में आ रही थी, वो इस चीज का प्रूफ है कि वो प्रॉपर्टी किराए पर नहीं थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, अगर आपके पास 2 से ज्यादा एसओपी थी तो कोई भी 2 प्रॉपर्टी आप एसओपी मानोगे, बाकी प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानते हुए आपको क्या करना पड़ेगी, टैक्सेबल। और कैलकुलेशन में डिफरेंस बताया था, एलओपी और डीएलओपी में डिफरेंस क्या बताया था, सर एलओपी और डीएलओपी एग्जैक्टली सेम है कैलकुलेशन में, सिर्फ एक फर्क है, सर डीएलओपी में एक्चुअल रेंट कभी नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट अगर उसमें होता तो वो सर एलओपी ही होती, वो डीएलओपी होती ही नहीं। चलिए इसके बाद कंसेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप, बच्चे प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगेन एक सिंपल सा कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप, अगेन एक सिंपल सा एक आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, इसकी 50% ओनर, इसकी 50% ओनर है मिस्टर मास और इसके 50% ओनर है मिसेज मास। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक प्रॉपर्टी है, घरेलू प्रॉपर्टी है, 50% मिस्टर मास की और 50% किसकी है, मिसेज मास की। अब इस केस में करना क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, चाहो तो आप, अब सरकार आपको ये थोड़ी बांटने आएगी कि आधा आधा एक्सपेक्टेड रेंट कितना, आधा म्युनिसिपल टैक्स कितना, नहीं, सरकार तो आपको सब कुछ एक ही फिगर बताएगी, फेयर रेंट टोटल इतना,
म्युनिसिपल रेंट टोटल इतना, स्टैंडर्ड रेंट टोटल इतना, म्युनिसिपल टैक्स टोटल इतना, और बैंक भी आपको ऐसा नहीं करेगी, बैंक भी बताएगी बेटा इंटरेस्ट टोटल इतना। समझ रहे कि आप मेरी बात? तो अगर कोई प्रॉपर्टी 50-50 है या 60-40, 30-70 कोई भी परसेंटेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन सर एक्सपेक्टेड रेंट को हमें 50-50 करना पड़ेगा, जैसे वहां कर रहे थे यहां पर भी करना पड़ेगा। सर एक्चुअल रेंट, बेटा यहां पर एक्चुअल रेंट को भी 50-50 करना पड़ेगा, क्योंकि सर यहां पर एक्चुअल रेंट हो सकता है दोनों प्रॉपर्टी किराए पे दिए, और दोनों किराए पे दिए तो क्या दोनों का एक्चुअल रेंट आने वाला है? यस। मान लो बेटा 50,000 रुपए एक्चुअल किराया है, 50,000 रुपए पर मंथ, तो यहां पर कितना है 25,000 और यहां पर कितना है 25,000। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए सर म्युनिसिपल टैक्स पूरे घर का 1,00,000 है, बेटा पूरे घर का 1,00,000 है, तो मिस्टर मास का कितना है 50,000 और मिसेज मास का कितना है 50,000। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन, बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन में दिमाग लगाना ही नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेटर लगाना होता है एनएबी पर। स्टैंडर्ड डिडक्शन के जस्ट ऊपर एक फिगर गिवन होता है नेट एनुअल वैल्यू, उसका 30% आप कैलकुलेट कर देते हो तो मिस्टर मास का जाएगा, और मिसेज मास के एनएबी पे करोगे तो मिसेज मास का आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? इसके बाद बेटा इंटरेस्ट, बैंक ने आपसे बोला टोटल इंटरेस्ट, बैंक ने आपसे बोला टोटल इंटरेस्ट है 1,50,000। आप मुझे बताइए मिस्टर मास के अकाउंट में कितना आएगा, मतलब मिस्टर मास के हाउस से रिलेटेड 75 और मिसेज मास से रिलेटेड 75। सर सभी चीजें आधी आधी कर दी, यस सभी चीजें आपने क्या कर दी आधी आधी। बेटा ध्यान सुनना, दिस इज अ लॉन्ग कट, अगर आप इसको एग्जाम में ऐसा करते हो तो ये आपका बहुत सारा टाइम खाने वाला है, इससे कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते थे, और मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करना है। आपको ऐसा मानना ही नहीं है कि ये प्रॉपर्टी के दो ओनर है, आप तो ऐसा मानना कि ये प्रॉपर्टी एक ही है, आप ऐसा मत मानना कि इस प्रॉपर्टी के दो ओनर है, आप तो क्या मानोगे कि प्रॉपर्टी एक ही पर्सन की, और आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लोगे, आप एक्सपेक्टेड रेंट लोगे 100%, आप एक्चुअल रेंट भी ले लोगे 100%। समझना मेरी बात, तो आपका जीएबी भी क्या हो जाएगा 100%, आप 100% ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस करोगे, आपका एनएबी आ जाएगा 100%, आप उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे और पूरा 100% इंटरेस्ट माइनस करोगे, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 100%। बेटा जो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 100% आया, आप उसको इनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग बांट दीजिएगा, बस। समझ रहे हैं मेरी बात? आप कैसे कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट ओनरशिप, आप पता है एक बार ऐसे कैलकुलेट करोगे कि घर किराए, घर एक ही है, दो लोग ही नहीं है, एक ही है, और पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जैसा आप नॉर्मली कैलकुलेट करते थे वैसा कर दोगे, और जो भी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, मान लीजिए आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहां पर लिख देता हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपका आया है 5,00,000 रुपए, अब आप पता है क्या करोगे, इस 5,00,000 रुपए को 50-50 कर दोगे, 2,50,000 मिस्टर मास, 2,50,000 मिसेज मास। सर 50-50 नहीं होता, और कोई रेशियो होता बेटा, जो भी रेशियो होता, जितने भी पार्टनर होते, जितने भी ज्वाइंट ओनर होते, आप कर देते। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? सर समझदारी किसमें है बेटा? समझदारी एक बार कैलकुलेट करके उस फाइनल फिगर को बांटने में समझदारी है। आई होप आई एम क्लियर कि आपको कैसे करना है। तो यहां पर बेटा कंसेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप में मैं आपको अगर कंक्लूड करवाना चाहूं, कंसेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप में आप उस घर को एक ही घर मानिएगा, एक ही पर्सन मानिएगा, और एक ही बार कैलकुलेट करिएगा पूरा, जो भी फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आए, जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आता है, आप उसको रेशियोज में बांट दीजिएगा, जिस ओनरशिप रेशियोज में। तो मिस्टर मास अगर 40% है तो उनके हिस्से में कितना आ जाएगा 40%, मिसेज मास 60% है तो बचा हुआ 60% किसके खाते में जाएगा, मिसेज मास। आई होप आई एम क्लियर। एक और बेटा एक और कंसेप्ट मैं आपको कंक्लूड करवाना चाहता हूं, वो है कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज, जहां पर भी आपने 60-40 किया था। बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर अप्रोच आपकी अलग रहेगी, यहां पर घर एक है, यहां पर घर एक है, लेकिन आप एक घर मत मानना, आप पता है कितने घर मानिएगा, दो घर। अरे 60% एरिया अगर किराए पे है, 40% एरिया अगर एसओपी है, तो आप उसको एक घर मत मानना बेटा, आप क्या मानना उसको, दो घर। 60% लेट आउट का अलग कैलकुलेट करना, 40% एसओपी का अलग कैलकुलेट करना। चलिए इसके बाद कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट, बेटा ये दो कंसेप्ट बचे हैं छोटे छोटे से, जिसके बाद अपना हाउस प्रॉपर्टी कंक्लूड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट, व्हाट इज कंपोजिट रेंट, ऐसा किराया जिसमें भैया किराए के अलावा भी कुछ शामिल हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बिल्डिंग किराए पे ली, इस बिल्डिंग का किराया 2,00,000 रुपए पर मंथ है, तो ये बिल्डिंग मैंने किराए पे ली, लेकिन सामने वाले ने मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड फ्री दिया 10,000 रुपए पर मंथ का, तो आप मुझे बताइए वो कितने पैसे मुझसे लेने वाला है, 2,10,000 रुपए। आप समझना बेटा, किराए के अंदर कुछ अदर एलिमेंट भी शामिल है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड का होना, जैसे कि लिफ्ट का होना, समझ रहे हैं मेरी बात, या फिर अदर फैसिलिटी, वाटर वगैरह होना, पानी की फैसिलिटी होना, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी होना, एंड सो ऑन। सभी बच्चे ध्यान देंगे यहां पर, कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट, कंपोजिट मतलब आप जो किराया ले रहे हो वो सिर्फ घर का है ही नहीं बेटा, यहां पर आपको पिक्चर में आएगा सेक्शन 22, जिसने आपको साफ साफ कड़े शब्दों में बोला था, अगर आपके पास घर है, आप उस घर के ऑनर हैं, और आप रेंटल इनकम अर्न करते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस, तो इनकम कहां टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप जो इनकम अर्न कर रहे हो ना, वो पूरी की पूरी रेंटल इनकम नहीं है, इसलिए इस कंसेप्ट पे थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट।
अब बेटा इसमें बोला गया कि एग्रीमेंट सेपरेबल है या फिर नॉट सेपरेबल। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका किराया 5 लाख रुपए पर मंथ है। सभी बच्चे बहुत बहुत ध्यान से सुन ले, एक एग्जाम्पल से इस चीज को बता रहा हूँ, सिंपल है लेकिन एग्जाम्पल पे फोकस करना। आपका किराया कितना है? 5 लाख रुपए पर मंथ। और बेटा इस 5 लाख रुपए पर मंथ में आपको हाउस प्रॉपर्टी भी दी जा रही है और कुछ अदर फैसिलिटीज भी, आप समझ रहे हैं अदर फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये अपन कंपोजिट पढ़ रहे हैं, तो अदर फैसिलिटीज भी आपको दी जा रही है, सच एज सिक्योरिटी गार्ड, सच एज वॉचमैन, सच एज पानी वगैरह की फैसिलिटी, लिफ्ट की फैसिलिटी एंड सो ऑन। तो ये सब फैसिलिटीज आपको दी जा रही है और टोटल आपसे कितना कंसीडरेशन चार्ज किया जा रहा है? 5 लाख रुपए। एक बात मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या 5 लाख रुपए पूरा का पूरा घर का है? क्या 5 लाख रुपए पूरा का पूरा घर का है? नहीं। अगर घर का 5 लाख रुपए पूरा का पूरा घर का नहीं है तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट रेंट। अगर ये 5 लाख रुपए पूरा का पूरा सिर्फ घर का किराया नहीं है, इसमें अदर फैसिलिटी के चार्जेस भी शामिल है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कंपोजिट रेंट। बेटा कंपोजिट रेंट के केस में दो केस पॉसिबल हैं, एग्रीमेंट इज सेपरेबल और एग्रीमेंट इज नॉट सेपरेबल। बेटा एग्रीमेंट इज सेपरेबल का मतलब आपको पता है कि 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए तो किराया है, 4 लाख रुपए क्या है? किराया। और बेटा बचा हुआ जो 1 लाख रुपए है वो पता है क्या है? अदर अदर फैसिलिटी का चार्जेस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एग्रीमेंट इज सेपरेबल मतलब आपको पता है उसमें से कितना घर का है और कितना अदर फैसिलिटीज का है। तो अगर आपको पता है तो आप इस अकॉर्डिंग कुछ करिएगा जो मैं बताऊंगा, और अगर आपको नहीं पता मतलब बेटा आपको तो ये पता है कि टोटल किराया 5 लाख है, उसमें से कितना घर का है, कितना अदर फैसिलिटीज का है, नहीं पता। अगर नहीं पता तो एग्रीमेंट नॉट सेपरेबल, अगर पता है तो एग्रीमेंट इज सेपरेबल। सर अगर एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, बेटा अगर एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपका बिजनेस है उस चीज का तो पीडीपीपी मल्टीपल हेड्स पॉसिबल है, लेकिन बेटा बेसिक जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर ऐसा क्यों? बेटा सेक्शन 22 रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप जो 5 लाख रुपए ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम नहीं है, इसमें अदर इनकम भी शामिल है। क्योंकि अदर इनकम शामिल है और आप हमें बता नहीं पा रहे हो कि इसमें से कितनी हाउस प्रॉपर्टी की है, कितनी अदर है, तो हम उसको क्या करने वाले हैं? पूरे को आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल। सर इससे क्या होने वाला है? बेटा इससे एसएससी का नुकसान होने वाला है, क्योंकि इसको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता था नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए सर, व्हाट इफ एग्रीमेंट इज सेपरेबल? अगर एग्रीमेंट इज सेपरेबल, आपको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी का 4 लाख है और अदर चीजों का 1 लाख है, तो एक काम करिए ना, आपको पता है 4 लाख हाउस प्रॉपर्टी का है, तो उस 4 लाख रुपए को आप कहां टैक्सेबल कर दोगे? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सर बचे हुए 1 लाख को, बेटा 1 लाख को आईएफएस में ले जाना, क्योंकि सेक्शन 22 बोलता है अगर घर से किराया आया तो हाउस प्रॉपर्टी। तो घर से किराया कितना आया? 4 लाख रुपए, वो कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। बाकी आपको अदर चीज का जो पैसा मिला है वो कहां जाएगा? आईएफएस के अंदर। तो बेटा ध्यान सुनिएगा, मैं आपको कंक्लूड करवा देता हूं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। मैंने आपसे क्या बोला? कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट, दो केस, एग्रीमेंट इज सेपरेबल, एग्रीमेंट इज नॉट सेपरेबल। अगर एग्रीमेंट सेपरेबल है ठीक है, अगर आपको पता है रेंट में से कितना घर का है, कितना अदर चीजों का है, तो जितना घर का है वो कहां टैक्सेबल होने वाला है? हाउस प्रॉपर्टी। जितना अदर फैसिलिटीज का है वो कहां टैक्सेबल होने वाला है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा सर व्हाट इफ एग्रीमेंट इज नॉट सेपरेबल? बेटा आपको पता ही नहीं है कि 5 लाख में से कितना घर का है, कितना अदर चीजों का है, तो पूरा का पूरा 5 लाख रुपए कहां टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। देव उन्होंने आज तक कभी इतने लेवल पे गए नहीं है, वो इतने लेवल पे कभी वो गए नहीं है। चलिए एक लास्ट कंसेप्ट, अच्छा बेटा मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो होटल वगैरह आपसे वो रूम के चार्जेस लेते हैं वो भैया हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं होते हैं, वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कभी एग्जाम में अगर वो मजे लेने पे आ जाए ऐसा कुछ पूछ ले तो ध्यान रखना हाउस प्रॉपर्टी नहीं, वो भी हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम भी रेंटल इनकम है, नहीं हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। बेटा ध्यान सुनिएगा सब, ये बात क्लियर रखना आप। चलिए लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट मतलब सबसे शानदार कंसेप्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। बेटा इस कंसेप्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं तो वो यहीं से हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, जब आप मेरे साथ आरटीपी एमटीपी करोगे आप इस चीज के एक्सपर्ट हो चुके होगे। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट आएगा। तो जब तक आप उस मतलब जब तक का वेट नहीं करना है, आज अपन इसकी फर्स्ट प्रैक्टिस तो आज करेंगे और कई बार इसको अपन देखेंगे सामने, तो अपन को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे। बेटा ये एक क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए, और ये इसी कंसेप्ट का होमवर्क है। ये जो कंसेप्ट है इसी से रिलेटेड ये होमवर्क है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं एक नया एग्जांपल क्रिएट करके आपके सामने बता रहा हूँ ताकि आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाए, और उसके बाद आप अपने आप को अश्योर करने के लिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिएगा। लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, चलिए इस बात करते हैं। चलिए मान लीजिए बेटा एक प्रॉपर्टी है जो 9 मंथ तक किराए पर थी,
9 महीने तक आपकी प्रॉपर्टी किराए पर थी और 20,000 रुपए पर मंथ का किराया था, तो क्या आप मुझे 9 महीने का किराया बता सकते हैं? सर 9 महीने किराया, हाँ बता दीजिए मुझे रेंट। सर रेंट होने वाला है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब कितना? 1,80,000। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद। अब हुआ क्या, मान लो 12 महीने के लिए थी, तो चलो 12 महीने का किराया बता दो आप तो मुझे 2,40,000। ये बात आपको क्लियर है? चलिए एक्सपेक्टेड, ये आपकी एक्चुअल रेंट है क्या बेटा? एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला होता है रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। रिसीव पूरा हो चुका है 2,40,000, तो रिसीवेबल की बात आएगी नहीं, उधारी की बात आएगी नहीं, और अनरियलाइज्ड रेंट नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब 2,40,000 आपका क्या है? एक्चुअल रेंट। अच्छा, एक्चुअल रेंट के अलावा मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेक्टेड रेंट, और मैं आपको कैलकुलेट करने को नहीं दूंगा, मैं आपको डायरेक्टली एक फिगर दूंगा एक्सपेक्टेड रेंट का, एंड देट इज गोइंग टू बी 2,05,000। चलो मैंने आपको एक फिगर दिया 2,05,000 रुपए। अब मुझे बताओ बेटा जीएबी कितनी? सर 2,40,000 एक्चुअल रेंट है। अच्छा बेटा ध्यान सुनना, पूरा हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिया और ये नहीं पढ़ा, कोई काम का नहीं है। और मैं आपको बता दूं, क्लास में जितने भी बच्चे सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप में से 80% बच्चों को ये कांसेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। 80% ऑफ द बच्चों को आप में से ये कांसेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, और इसको नहीं पढ़ा तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने के बराबर है। तो बेटा ध्यान सुनिएगा, सिंपल कांसेप्ट है, कांसेप्ट में कोई ट्रिकनेस नहीं है, आईसीआई का फेवरेट पूछने यही वाला है, यही नहीं पता तो क्या काम का, हाउस प्रॉपर्टी जो सब कुछ पता है। तो कांसेप्ट ऑफ वैकेंसी बेटा, इस कांसेप्ट का नाम है, इस कांसेप्ट को बोलते हैं हम कांसेप्ट ऑफ वैकेंसी। 12 महीने का किराया कितना है? 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2,40,000। एक्सपेक्टेड रेंट क्वेश्चन में बेटा वो गिवन होगा, फेयर रेंट म्युनिसिपल रेंट आपने हायर करा होगा, स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन होगा, आपने लोअर करके निकाला होगा, कितना गिवन है बेटा? 2,05,000 रुपए। आप मुझे जीएबी बता दीजिए, जीएबी व्हाट इज गोइंग टू बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू? सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी, हाँ बताइए बच्चे व्हाट इज गोइंग टू बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू? 2,40,000 रुपए। अगर बेटा एक ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आप बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगे, 2,40,000 होती, और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपको यही तो पता होता है, यही तो आप करके आओगे अगर वैकेंसी का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको वैकेंसी का कंसेप्ट यहां पर पिक्चर में लेके आऊंगा, अभी तक नहीं आया, अभी तक मैंने नहीं बोला आपसे कि इस प्रॉपर्टी में कोई वैकेंसी है, तो नहीं है तो आप एक्चुअल लोगे और एक्सपेक्टेड लोगे और क्या कर लोगे, विच एवर इज हायर, और मतलब 2,40,000 अभी तक के क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, वो चेंज क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पर लिखा हूं रेंट एक्चुअली रिसीव्ड, रेंट एक्चुअली रिसीव्ड बेटा मान लीजिए जो आपको सही में किराया मिला है वो है 2,00,000 रुपए। चलो मैं तो रेंट एक्चुअली रिसीव भी नहीं लिख रहा, मैं तो आपको बता रहा हूं, मान लीजिए ये घर है ना वैकेंट है, ये घर वैकेंट है 2 महीने के लिए वैकेंट है। अब मुझे बताओ बेटा एक्चुअल रेंट में फॉर्मूला बताइए, एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, एक सेकंड, रिसीव्ड प्लस रिसीवल। बेटा ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी प्रॉपर्टी 12 महीने किराए पे ही नहीं गई तो 12 महीने का किराया तो नहीं मिलेगा। सर 12 महीने में से 2 महीने तो वैकेंट थी, मतलब कितने महीने का किराया मिलेगा? 2 महीने का। तो आप मुझे बताइए ना एक्चुअल रेंट आपका कितना होना चाहिए था? 2,00,000। अरे यस और नो? चलिए वैकेंसी पिक्चर में आ चुकी है बेटा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वैकेंट है, कितने महीने के लिए वैकेंट है? 2 महीने के लिए। बेटा यहां पर मैं फिर भी वापस से इसको क्या कर रहा हूं, 2,40,000 सभी बच्चे फोकस से करिएगा, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैप क्योंकि क्वेश्चन मेरा अब बन के तैयार हुआ है। चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी, और इस वैकेंसी के कंसेप्ट में हम देख रहे हैं 12 महीने का रेंट 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से था, लेकिन 2 महीने पहले वो छोड़ के चले गया, मतलब हमें किराया कितना मिला होगा? 10 महीने का किराया मिला होगा 2,40,000। लेकिन वैकेंसी का कंसेप्ट बोलता है ऐसा मत करना, वैकेंसी का कंसेप्ट बोलता है आप यहां पर किराया कितने महीने का ही लोगे? 12 महीने का। सभी बच्चों का फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए, वैकेंसी का कंसेप्ट बेटा आपसे क्या बोलता है, आप कितने महीने का किराया लोगे? 12 महीने का। सर ऐसा क्यों बेटा? ऐसा आपको अपने आप समझ जाएगा, बस अभी तो वो देखो जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि करना क्या है। तो आप कितने महीने का किराया लोगे? 12 महीने का। आप पता है यहां पर 2,00,000 लिखवाना चाह रहे हो मुझे, लेकिन मैं बोल रहा हूं बेटा नहीं, मत लिखना 2,00,000, आपको कितने महीने का लेना है? 12 महीने का। और मुझे बताइए 12 महीने के अकॉर्डिंग कितना आएगा? 2,40,000, और जीएबी कितना जाएगा? 2,40,000। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से कौन जीत रहा था? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से कौन जीत रहा है मुझे बताइए आप? सर एक्चुअल रेंट जीत रहा है। अरे यस और नो? एक्चुअल रेंट जीता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मैं अपन बात कर रहे हैं बेटा बिफोर वैकेंसी,
बिफोर वैकेंसी का मतलब क्या, अगर सब कुछ सही होता, घर वगैरह खाली नहीं होता, तो आपको 240,000 रुपए का किराया मिलता और कितने रुपए का एक्सपेक्टेड रेंट होता, 205,000 रुपए, आप उसमें से हायर वाले को क्या ले लेते, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और जीत कौन रहा था, जो जीत रहा हो आप मुझे बता दीजिए, उसको मैं स्पेशल इज्जत देना चाहता हूँ येल्लो कलर के साथ, येल्लो कलर के साथ मुझे स्पेशल, उसे स्पेशल इज्जत देना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल रेंट 240,000 जीत रहा था। अब मुझे हकीकत बताइए बेटा, ये तो आपके ख्वाब में चल रहा है कि इतना होना चाहिए था और इतना एक्सपेक्टेड है ना, मतलब 240,000 होना चाहिए था, 205,000 सरकार के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, और इन दोनों में से विचेवर इज हायर हम लेते हैं जीएबी ख्वाब में। अब बेटा हकीकत बताना मुझे, आफ्टर वैकेंसी, सभी बच्चे फोकस करेंगे आफ्टर वैकेंसी, बताइए एक्चुअल रेंट आफ्टर वैकेंसी कितना है, 240 या 2,00,000 ही रह गया सर, आफ्टर वैकेंसी एक्चुअल रेंट कितना रह चुका है, मात्र 2,00,000। अच्छा मुझे बताइए एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट बेटा वही है 205,000, फर्क सिर्फ किस पे आया, वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट पर, क्योंकि सरकार ने तो पहले ही बोल दिया था कि अगर आपका घर एक दिन भी किराए पे गया है तो हम उसको मान लेंगे साल भर वो किराए पे गया है, समझ रहे मेरी बात। एक्सपेक्टेड रेंट तो आप कितने महीने का ले रहे हो, 12 महीने का, यस और नो। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अब बताइए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, सर एक्सपेक्टेड रेंट जीत रहा है, बेटा ध्यान से सुनना प्लीज, फोकस करिएगा यार, सच का साथ देना है और आपको बस कुछ नहीं करना, अगर आपने सच का साथ दे दिया तो आपका वैकेंसी का कॉन्सेप्ट हो गया। आप मुझे बताओ बिफोर वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, मैं आपको यहां पर टिक भी कर देता हूं, ये बॉक्स बना देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे, बिफोर वैकेंसी और ये है बेटा आपका आफ्टर वैकेंसी। आप मुझे बताओ बिफोर वैकेंसी कौन जीत रहा था एक्चुअल रेंट, बिफोर वैकेंसी जीत रहा था एक्चुअल रेंट, आफ्टर वैकेंसी एक्चुअल रेंट हार गया, आप चेक कर लीजिए बेटा बिफोर वैकेंसी कौन जीत रहा था एक्चुअल रेंट और आफ्टर वैकेंसी, देखिए एक्चुअल रेंट हार गया। आप मुझे बताओ ईमानदारी की फाइट में कौन जीत रहा था, जब तक फाइट ईमानदारी पे चल रही थी कौन जीत रहा था एक्चुअल रेंट, बेईमानी की वजह से कौन जीत गया एक्सपेक्टेड रेंट। बेटा ऐसी बेईमानी का आप साथ मत देना, आप किसका साथ दोगे, सच का साथ। आप मुझे बताइए सब्सटेंस ओवर फॉर्म के अकॉर्डिंग हकीकत में ये लड़ाई अगर सही मायने पे सही टर्म्स पे होती तो कौन जीतने वाला था एक्चुअल रेंट बेटा, क्योंकि एक्चुअल रेंट जीत रहा था, क्योंकि एक्चुअल रेंट जीत रहा था, सिर्फ वैकेंसी की वजह से हार गया। अगर ऐसा हो जाए, अगर एक्चुअल रेंट किसकी वजह से हार जाए, वैकेंसी की वजह से, तो बेटा भाड़ में जाए एक्सपेक्टेड रेंट, उस केस में आप जीएबी पता है क्या करते हो, नहीं जीएबी नॉर्मली आप क्या करते हो सर, नॉर्मली जीएबी इज एक्सपेक्टेड और एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर, लेकिन बेटा ध्यान सुनना आप सच का साथ दोगे वैकेंसी के केस में, अगर एक्चुअल रेंट जीत रहा था वैकेंसी की वजह से उसकी जीत हार में बदल जाए तो आप पता है आप सबसे पहले किसको तो गोली मार देना, किसको लात मार देना एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट को, और किसको जिता दोगे बेटा, आप जिता दोगे एक्चुअल रेंट को। सर ऐसा क्यों बेटा, ध्यान सुनना प्लीज, फोकस करिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी से कौन जीत रहा था एक्चुअल रेंट, किसने बेईमानी करी, एक्सपेक्टेड रेंट वो 12 महीने का है और एक्चुअल कितने महीने का है, 10 महीने का, उसकी बेईमानी की वजह से कौन जीत गया, मतलब कल तक जो जीत रहा था आज वो हार चुका है, तो बेटा आप उसको हारने नहीं दोगे, आप किसको सपोर्ट करोगे उसको जो कल तक भी जीत रहा था। तो बेटा यहां पर आप मुझे एक चीज बताइए, जीत कौन रहा था 240,000 एक्चुअल रेंट, वैकेंसी के बाद जो ख्वाबों में देखा था तो कौन जीत रहा था 240,000, हकीकत में देखना है तो कौन जीत रहा है 205,000, लेकिन आप मुझे बताइए अगर यहां पर फेयर फाइट होती तो 205,000 मतलब कौन जीता एक्चुअल रेंट, क्या एक्चुअल बेटा ध्यान से सुना, क्या एक्चुअल रेंट के हारने की वजह वैकेंसी है, क्या एक्चुअल रेंट के हारने की वजह वैकेंसी है, अगर एक्चुअल रेंट के हारने की वजह वैकेंसी है तो भाड़ में जाए एक्सपेक्टेड रेंट, हम लात मार देंगे ऐसे एक्सपेक्टेड रेंट को, किसको जिता देंगे एक्चुअल रेंट भले ही वो हार रहा हो। अरे भाड़ में जाए कंसेप्ट जो मास सर ने सिखाए थे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर, भाड़ में जाए वो सब कंसेप्ट, अगर एक्चुअल रेंट पहले जीत रहा था, अगर एक्चुअल रेंट पहले जीत रहा था किसकी वजह से हार जाए वैकेंसी की वजह से, तो हम किसको जिताने वाले हैं, हम एक्चुअल रेंट को जिताने वाले हैं, वैकेंसी एक्सपेक्टेड रेंट को हरवा देंगे, समझ रहे हैं क्या मेरी बात। इसी चीज को थोड़ा सा और चेंज करके बताऊंगा बेटा, आप अपने आप को कंफर्म करने के लिए वो एग्जांपल जरूर करिएगा जो मैंने आपको दिया है, इसी चीज में एक छोटा सा फिगर चेंज करूंगा, मान लीजिए बेटा एक्चुअल रेंट यहां पर 2,00,000 था, नहीं एक काम करते हैं एक्चुअल तो 240 ही था, यहां पर ये था 245,000, अब मुझे बताओ बेटा पहले कौन जीत रहा था एक्सपेक्टेड, आज भी कौन जीत रहा है एक्सपेक्टेड, ऐसे केस में आप कंसेप्ट वैकेंसी का कंसेप्ट नहीं लगाओगे, वैकेंसी का कंसेप्ट आप कभी ही लगाओगे जब पहले एक्चुअल रेंट जीत रहा था और कब हार जाए वैकेंसी की वजह से, अगर वो हार जाए मतलब पहले जो जीत रहा था ना उसकी हार किसकी वजह से जाए वैकेंसी की वजह से, तो आप किसको सपोर्ट करने वाले उस पर्टिकुलर केस में एक्सपेक्टेड रेंट को लात मार दोगे, किसको सपोर्ट कर लोगे एक्चुअल रेंट को। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, मैं आपको एक बार कंपाइल भी करवा दूंगा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को उस, लेकिन बेटा सही मायने में आपको ये क्वेश्चन होमवर्क जरूर करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस, मैंने आपको 2-3-4 एग्जांपल्स दिए हैं होमवर्क करने के लिए। चलिए एक बार वापस से बता रहा हूं मैं आपको कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी,
कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी के टाइम पे आपको करना क्या है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक बार कैलकुलेट करना है बिफोर वैकेंसी। बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। आपको एक बार क्या करना है, बिफोर वैकेंसी। बिफोर वैकेंसी मतलब एक्चुअल रेंट कितना होता, एक्सपेक्टेड रेंट कितना होता, और उन दोनों में से एक को आप जिता दोगे, जैसा आपने इस पर्टिकुलर केस में भी जिताया था। इस पर्टिकुलर केस में आपने किसको जिताया था सर, बिफोर वैकेंसी आपने जिताया था 240,000। तो एक बार बिफोर वैकेंसी, एक बार आफ्टर वैकेंसी। अच्छा, आफ्टर वैकेंसी जब आपने करा तो क्या एक्चुअल रेंट जो पहले जीत रहा था वो हार रहा है? यस। एक्चुअल रेंट जो पहले जीत रहा था वो अब हार रहा है? यस। तो बेटा इस केस में अब आप किसको लात मार दोगे? बेटा ध्यान सुनना, किसको लात मार दोगे? एक्सपेक्टेड रेंट को, क्योंकि उसके हारने की वजह एक्सपेक्टेड की बेईमानी है। एक बारीक पॉइंट जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया और शायद आपको पता भी ना हो, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड की वजह से पहले जीत रहा था, बाद में हार रहा है। किसकी वजह से हार रहा है सर? वैकेंसी की वजह से। तो कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी लगेगा, और बेटा कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी लगेगा ना, तो कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी बोलता है कि जीएवी में आज आप एक्सपेक्टेड रेंट को भाड़ में पहुंचा देना, सिर्फ क्या लेने वाले हो, जीएवी इज गोइंग टू बी एक्चुअल रेंट। भाड़ में जाए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, नहीं। अगर एक्चुअल पहले जीत रहा था और आप हार रहे हैं और हारने की वजह वैकेंसी है, तो आपका जीएवी क्या ही होने वाला है? एक्चुअल रेंट। बट बेटा दिक्कत यह है कि क्वेश्चन में आपके पास एक्चुअल रेंट भी तो दो है, एक है बिफोर वैकेंसी और एक है आफ्टर वैकेंसी। आप मुझे बताओ, एक ख्वाबों में था, एक हकीकत में था। जब आप लोगे तो कौन सा वाला लोगे? हकीकत वाला। समझ रहे हैं मेरी बात? आप लड़ाई करवाओगे पहले बिफोर वैकेंसी करवाओगे, चेक करोगे पहले कौन जीत रहा था, फिर आप आफ्टर वैकेंसी करवाओगे, चेक करोगे क्या पहले जो जीत रहा था उसकी हार हो रही है और उसकी वजह वैकेंसी है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कैसा हो रहा है, तो आप जीएबी में किसको जिता दोगे? एक्चुअल रेंट को। और बेटा जब आप एक्चुअल रेंट जिताओगे तो ये कौन सा वाला होना चाहिए? आफ्टर वैकेंसी, क्योंकि आपके पास एक्चुअल रेंट भी दो है, एक बिफोर वैकेंसी जो था 240,000, एक आफ्टर वैकेंसी था जो था 2,00,000। आप यहां पर कितना लेने वाले हो? 2,00,000। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस सेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मॉड्यूल के सभी क्वेश्चंस आपको इसके लगा लेने चाहिए, अगर आप इसमें से फुल प्रूफ 100% मार्क्स चाहते हो तो। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस सेशन। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, चलो सब्सक्राइब भी कर ही देना, जो करना है कर लेना।